हेलो एवरीवन। तो आज आपका जो अभी रिसेंटली डीटीएस हुआ है जेईई एडवांस के लिए, उसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। और केम 4x6 जिसका टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ और थर्मोडाइनेमिक्स, पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक। ठीक है, और एक जो भी अपने पास क्वेश्चन होगा उसके आसपास की सारी बातें करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ए 1 kg ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इनटू ए परफेक्टली इंसुलेटेड, जो अपना ब्लॉक है या जो कंटेनर है वो परफेक्टली इंसुलेटेड है और सील्ड कंटेनर है, दैट हैज 2 kg ऑफ वाटर ऑल्सो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसपे जो है वो 2 किलो उसपे वाटर भी, बर्फ तो ही है साथ में वाटर भी है। द वाटर एंड आइस कंप्लीटली फिल्ड द कंटेनर, पूरी तरीके से भरा हुआ है, बट द कंटेनर इज फ्लेक्सिबल। कंटेनर के फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, वो जो है वो एक्सपेंड कर सकता है। पिस्टन लगा हुआ है ऐसे मान लो। आफ्टर सम टाइम वन कैन एक्सपेक्ट दैट, हमें क्या जो है वो ऑब्जर्व होना चाहिए थोड़ी देर बाद में। भैया जी कंडीशन ऐसी है कि ये कंटेनर लिया है और कंटेनर में जो है वो यहाँ पर लगा दिया पिस्टन, ठीक है, और इसमें जो है वो पहले तो भर दिया भैया 2 किलो वाटर, ठीक है, 2 kg ऑफ वाटर, ठीक है, और फिर जो है वो इसमें 1 kg जो है वो क्या भर दिया भैया, आइस, 1 kg आइस, ठीक है, ये कंडीशन कर दी और पूरी तरीके से भरा हुआ है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, हीट ना तो एक्सचेंज हो सकती है ना मास का एक्सचेंज हो सकता है। इसका मतलब ये सिस्टम जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। और अब जैसे कि ऑप्शन दे रखा है कि भैया द वाटर विल फ्रीज सो दैट द मास ऑफ द आइस विल इंक्रीज, द आइस विल, मतलब क्या होगा इस कंटेनर में, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भैया क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो भैया सेकंड लॉ जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको ये कहता है कि भैया एंट्रोपी ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम या एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। मतलब यह है कि भैया आइसोलेटेड सिस्टम या फिर आप जो पूरे यूनिवर्स की बात कर लो, तो इसके लिए जो एंट्रोपी चेंज है, टोटल एंट्रोपी चेंज है, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब एंट्रोपी चेंज को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, जो H2O अपने पास आइस है यानी कि जो सॉलिड है, अगर ये H2O जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा यानी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो ही इस प्रोसेस के लिए जो है वो डेल्टा एस कैसा आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। कहने का मतलब है कि आइस जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, वो वाटर में कन्वर्ट होगी, और अगर आइस वाटर में कन्वर्ट होगी तो भैया इस केस में जो आइस है उसका मास क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो द आइस विल मेल्ट सो दैट द मास ऑफ द आइस विल डिक्रीज, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि O2 अंडरगोस फोटोकेमिकल डिसोसिएशन इनटू वन नॉर्मल ऑक्सीजन एंड वन एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम, ठीक है भैया, कि O2 जो है ना इसका आपने फोटोकेमिकल डिसोसिएशन किया, एक तो नॉर्मल ऑक्सीजन मिला, इसको एन नॉर्मल बोल देता हूं, एक एक्साइटेड ऑक्सीजन आपको मिला, ठीक है, कुछ एनर्जी चाहिए। अब इसको डिसोसिएट करने के लिए फोटोकेमिकल है तो भैया मुझे फोटोन चाहिए होगा, फोटोन का मतलब हो गया एच न्यू, या फिर आपको एचसी अपॉन लैम्डा की इक्वल एनर्जी चाहिए होगी, इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक। फिर आपको बोल दिया कि द डिसोसिएशन ऑफ O2 इनटू नॉर्मल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 498 किलो जूल पर मोल, कि भैया जो O2 है अगर आप क्या करोगे, इसको दो नॉर्मल ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक करोगे, ठीक है ना, दो नॉर्मल ऑक्सीजन एटम्स में आपने इसको ब्रेक किया, तो इस स्थिति में आपको जो वो कितनी एनर्जी चाहिए, 498 किलो जूल की एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है, 498 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। लेकिन ये जो है एनर्जी, ये 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, ठीक है। फिर आपको बोल रहा व्हाट इज द वेवलेंथ इफेक्टिव फॉर फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ O2, इस डिसोसिएशन के लिए ये वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, तो पहले मैं ये चेक कर देता हूँ ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये बोला है कि भैया ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ना, इसकी एनर्जी 1.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, ठीक है। तो भैया देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो आप सोचो जरा कि भैया 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, है ना, फोर वन मोल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 498 किलो
यानी कि इतना जूल एनर्जी आपको चाहिए एक मोल के लिए। तो भैया एक बॉन्ड के डिसोसिएशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 4 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा भैया, Na से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको जो है वो Na से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, यानी अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻³। ठीक है, उससे डिवाइड कर दिया तो एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी आ गई जूल में। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा जी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1.6 × 10⁻¹⁹ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये एनर्जी निकल के आ गई मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी कि एक बॉन्ड को नॉर्मल, दो नॉर्मल ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए मुझे टोटल इतनी जो है वो एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, अब देखिएगा कि आपको ये बोल रहा है कि यहां पर जो एनर्जी है ना वो 1.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, मतलब इससे 1.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ज्यादा है, यानी कि आपने इतनी ज्यादा एनर्जी दी होगी आपको, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके एक जो नॉर्मल ऑक्सीजन एटम है वो क्या हो गया होगा, एक्साइटेड हो गया होगा, और एक्साइटेड हुआ तो इतनी एनर्जी जो है उसकी ज्यादा है। तो इसका मतलब ओवरऑल आपने कितनी एनर्जी दी होगी, तो टोटल गिवन एनर्जी तो टोटल आपने कितनी एनर्जी दी, तो भैया 498 × 1000। ठीक है, इतनी तो आपको Na इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ इतनी एनर्जी तो जो है वो नॉर्मल में तोड़ने के लिए, और फिर एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी दी, 1.967 जो है वो आपने एक्स्ट्रा दी, 1.967 जो है वो आपने एक्स्ट्रा दी, तो टोटल इतनी एनर्जी आपने दे दी। अब अगर आपने टोटल इतनी एनर्जी दी है तो बस इसी एनर्जी से रिलेटेड वेवलेंथ आपसे पूछना चाहता है, तो E इज इक्वल टू अपन बोलते हैं HC अपॉन लैम्डा होता है, या फिर अगर 12400 मैं लिख दूं और लैम्डा अगर यहां पर एंगस्ट्रॉम में रखूंगा तो एनर्जी जो है वो किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो यहां से जो है वो मैं लैम्डा निकाल सकता हूं, लेकिन लैम्डा आएगा किस में, एंगस्ट्रॉम में, जिसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये जो है वो एक्चुअल में पूरा एग्जैक्टली 12400 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट 12400 के इक्वल होता है, तो अपना आंसर जो है ना वो नियर बाई आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा। नीचे इसको डिवाइड कर देता हूँ एनर्जी से, तो कितना 498 × 1000, ठीक है, और डिवाइड बाई Na इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ प्लस 1.967, ये जो इक्वेशन बनी है आपको इसी को सॉल्व करना है, और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा सेकेंड। ठीक है ना, ये नियरली आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है वो हम एग्जैक्टली वैल्यू इसकी नहीं ले रहे। ठीक है ना, तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको क्या बोल रहा है, देखना कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन द वेपर स्टेट एब्जॉर्ब 1300 kJ ऑफ एनर्जी, विद द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आर 750 and 1450। ठीक है, मतलब यह है कि मैग्नीशियम को आपको जो है वो किसमें कन्वर्ट करना है, मैग्नीशियम को जो है वो मेरे को कन्वर्ट करना है भैया, ये मेरे पास मैग्नीशियम है। ठीक है, इसको जब मैंने Mg+2 में कन्वर्ट किया, ठीक है, या पहले जो है वो मैंने इसको Mg+ में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो मेरे को जो है वो कितनी एनर्जी देनी पड़ी, यहाँ पर 750 kJ/mol एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है ना, और फिर Mg+ को Mg+2 में कन्वर्ट किया तो 1450 kJ/mol, यानी कि अगर एक मोल को आप इसमें चेंज करोगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसके एक मोल को आप इसमें चेंज करोगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एनर्जी एक मोल के लिए। ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है कि रेस्पेक्टिवली द फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, अब आपको ये बोला कि भैया टोटल जो है वो गैसीय स्टेट में इसको जो 1300 की एनर्जी दे दी, 1300 kJ की एनर्जी दे दी। ठीक है, अब देखना जरा कि जैसे ही आप 1300 एनर्जी दोगे तो इसका जो एक मोल है ना, मेरे पास इसका एक मोल था, एक मोल इनिशियल था, तो इसमें से 750 तो जो है वो किसमें खर्च हो जाएगी, Mg+ में बदलने के लिए हो जाएगी, यानी कि अब मेरे पास Mg+ का एक मोल आ चुका है। ठीक है, अब देखना कि भैया 750 जो है वो इसमें से क्या कर दो आप, घटा दो, तो कितना बचा 550। अब मेरे पास जो रिमेनिंग एनर्जी है ना वो कितनी है, 550 ही है, समझ रहे बात को, तो रिमेनिंग एनर्जी ये इसका एक मोल था, रिमेनिंग एनर्जी 550 है, अगर मान लो मेरे पास 1450 की एनर्जी बचती तो उस स्थिति में इसका पूरा एक मोल Mg+2 में कन्वर्ट हो जाता,
तो एक मोल को कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, इसके एक मोल को कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। एक मोल को कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो भैया मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया इसके कितने मोल के लिए आपको जो है वो, मतलब अगर 1450 किलो जूल की एनर्जी देते हो तो एक मोल का कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो एक जूल की एनर्जी दोगे तो कितना कन्वर्जन होगा, तो 550 जूल की एनर्जी दोगे तो कन्वर्जन कितना होगा भैया, 1450 से एक मोल का कन्वर्जन होता है, तो एक जूल से कितने का कन्वर्जन हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया अपने पास इतने मोल का कन्वर्जन हो जाएगा, तो 550 किलो जूल से कितने का कन्वर्जन हो जाएगा, 550/450, ठीक है। तो इतने का कन्वर्जन अपने पास होगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास 0.38, ठीक है। तो हम क्या बोले कि भैया इसका मतलब एक मोल में से 0.38 तो इसमें बदल चुका है और बाकी बच गया कितना, 0.62। तो 0.62 तो किसका है, अपने पास Mg plus 2 का है, 0.38 किसका है, 0.62 तो Mg plus का, 0.38 जो है वो किसका है, Mg plus 2 का है, ठीक है ना। तो कंपोजिशन क्या हो जाएगा, 62% तो Mg plus रहेगा, 38% Mg plus 2 रहेगा, ठीक है। ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक रिएक्शन दे रखी है भैया, 2 मोल ICl के साथ रिएक्शन करवानी, और रिएक्शन जो हो रही है वो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। तो कंडीशन जो है वो अपने पास ऐसी है कि भैया 2 मोल है, अब ICl से आपको क्या मिलेगा भैया, आई प्लस और ये Cl माइनस, और ये आई प्लस जो है वो अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो भैया इलेक्ट्रोफाइल जो है वहां टैग करेगा जहां पर जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ NH2 ग्रुप जो है ना, ये कल ऑन पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये प्लस एम इफेक्ट है, तो प्लस एम इफेक्ट, ये ऑर्थो ऑर्थो, ये मेटा ये मेटा, और पैरा पर तो NO2 लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो और ऑर्थो पर काम करेगा, और दोनों ऑर्थो पर प्लस एम काम करेगा तो आई प्लस जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर ऑर्थो पर, दो है तो दोनों पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास इसका कंसेप्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको बोल रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज, ठीक है भैया ये एक डाइसैकेराइड के रिगार्डिंग आपको सही स्टेटमेंट जो है वो पूछा है। तो रिंग ए पायरेनोज, अच्छा देखो जरा कि ये जो है, एक तो अपने पास होता है भैया फ्यूरेन, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर जो है वो ये होती है, ठीक है, ये फ्यूरेन और पांच रिंग वाली, पांच मेंबर की रिंग, और एक होता है भैया पायरिन। तो पायरिन में जो है वो हम बोलते हैं पायरिन की स्ट्रक्चर जो है उसमें 6 रिंग होती है, ये वाली स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रक्चर के जो सिमिलर है वो तो पायरेनोज होगा, तो ए जो है वो तो क्या है पायरेनोज, ठीक है, और ये वाला जो है वो क्या है फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज, ठीक है। अब इसके बाद में जो है वो अपने पास क्या होता है कि भैया अल्फा और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पहली बात तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल के बाहर CH2OH और दूसरी तरफ CH2OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने से बनता है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये अल्फा है या बीटा है, तो इसके लिए आप ध्यान से ध्यान ये देना है कि भैया अगर ये जो लिंकेज है ये बिलो द प्लेन है तब तो अल्फा है, और अगर ये अबाउ द प्लेन होती है तो क्या होती है बीटा होती है। तो ये वाला जो बिलो द प्लेन है तो ये क्या है भैया अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और रिंग ए इज पायरेनोज, तो रिंग ए इज पायरेनोज विथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बाकी जो है वो कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करेगा, तो यही अपना आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द मोनोमर हैव हाईएस्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन। भैया जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है क्या बनेगा, एनायनिक बनेगा, और एनायन बनेगा ना तो भैया हम ये बोलेंगे हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी जैसे इनमें ये वाला जो है वो ग्रुप सब में क्या है कॉमन है, तो कोई भी अपने पास स्पीसीज आएगी तो वो इस पर अटैक करेगी, ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो हमारे पास जो एनायन बनेगा बेसिकली कुछ इस कैटेगरी का एनायन बनेगा, ठीक है, ऐसा एनायन। अब ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस स्पीसीज में हम बोलेंगे कि भैया एनायनिक पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, नेचर उतनी ज्यादा होगी। तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ NH2 है, इसका प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पर OCH3 है, इसका भी प्लस एम इफेक्ट है। प्लस एम इफेक्ट जब आता है तो एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पर CH3 है तो CH3 का प्लस H इफेक्ट लगेगा, प्लस I इफेक्ट लगेगा, तो भैया डिक्रीज होगी। यहाँ पर जो NO2 है, NO2 का माइनस एम होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भैया स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी एनायन की, तो इसी में सबसे ज्यादा होगा एनायनिक पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7। भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के लिए कौन सा काम में आता है,
याद रखना है कि भैया पैरासिटामोल जो है वो क्या होता है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है। इबुप्रोफेन ये जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी होता है, एंटी इंफ्लामेटरी, ठीक है, जो कि एक स्टेरॉइड होता है, ठीक है ना। और जो टोकोफेरोल है ये तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल, तो इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। सिप्रोफ्लोक्सेन ये जो है वो अपने पास एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है द कर्व शोन रिप्रेजेंट एडियाबेटिक कर्व्स फॉर मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक पॉली एटॉमिक गैसेस, द स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट सेकेंड थर्ड रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट ए। तो इस पॉइंट पर जो है वो आपको स्लोप पूछा है। देखिएगा भैया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर हम क्या करते हैं, पी और वी का ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसा कि आइसोथर्मल में आता है, बस इनके स्लोप में डिफरेंस होता है। यहाँ पर इसका स्लोप जो हो वो अपने पास होता है माइनस गामा डी पी बाय डी वी, ठीक है, ये स्लोप होता है। और अगर यही ग्राफ जब आप आइसोथर्मल के लिए बनाते हो, तो आइसोथर्मल के लिए जो है वो ग्राफ मतलब पी और डी के बीच में बनाते हो एडियाबेटिक के लिए, तो ग्राफ ऐसा आता है। और इस केस में जो अपने पास स्लोप है ये होता है भैया गामा, और गामा माइनस वन, और यहाँ पर आ जाता है डी पी बाय डी टी, ठीक है, ये अपने पास इसका स्लोप होता है, ठीक है। तो अब देखो जरा कि डी पी बाय डी टी, ओके डी पी बाय डी टी तो स्लोप होगा, यहाँ पर पी बाय डी टी होगा, पी बाय डी टी पी बाय टी, ठीक है। तो अब देखो पी बाय टी तो आपको दे रखा है, यानी ओवरऑल आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, गामा अपॉन गामा माइनस वन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो गामा अपॉन गामा माइनस वन की वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो, गामा मोनो एटॉमिक, ठीक है, गामा डाई एटॉमिक और गामा पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक के लिए आपको जो है वो बेसिकली इंडिकेट किया हुआ है, इसका गामा कितना होता है 4/3, इसका गामा जो है वो अपने पास होता भैया 7/3, ठीक है, और इसका जो गामा है वो अपने पास होता है कितना 5/3, ये सबका गामा है मेरे पास। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से बेसिकली गामा अपॉन गामा माइनस वन की वैल्यू। देखना ये जो गामा है डाइएटमिक का, ये एक्चुअल में 7/5 होता है, 7/3 नहीं, ठीक है, 7/5। तो सबका गामा आपके पास आ गया है, और गामा आ गया है तो अब आपको क्या करना, केवल गामा अपॉन गामा माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप मोनो एटॉमिक के लिए निकालोगे तो इसके लिए जो है वो स्लोप आएगा कितना 2.5, ठीक है। डाई एटॉमिक के लिए निकालो तो डाई एटॉमिक के लिए आ जाएगा 3.5, और फिर पॉली एटॉमिक के लिए निकालोगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका सही हो जाएगा। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखना विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट has its hydration enthalpy greater than its lattice enthalpy, ठीक है भैया। देखो जरा कि जो lattice enthalpy है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, decrease होनी चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि भैया ग्रुप में, एक ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो जो cation और anion है उनकी साइज का डिफरेंस क्या होता है भैया, कम होता है। जैसे ये जो कि सल्फेट, जो सल्फेट जो है वो एक बड़ा आयन है, और नीचे जाओगे तो साइज जो है वो cation का बढ़ेगा सल्फेट, और अगर साइज में डिफरेंस कम होगा तो उस केस में लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी सबसे कम किसके लिए होगी, BeSO4 के लिए। तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि छोटे आयन का हाइड्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीज हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम, ठीक है। ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर अपने पास 9। क्वेश्चन नंबर 10 कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जमता है तो इसमें क्या, कौन सा प्रोसेस शामिल होता है। भैया देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, ये अपने पास POP होता है, ठीक है। जब आप इसको जमाते हो तो इसमें पानी मिलाओगे, और जब पानी मिलाओगे तो इसका हाइड्रेशन होगा, और ये जो है वो बदल जाएगा CaSO4.2H2O में, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और तो हाइड्रेशन बेसिकली हाइड्रेट बना लेता है ये अपना जो 3/2 हाइड्रेट है, वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ जरूरत होगी, तो हाइड्रेशन की वजह से जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। बाकी इसमें जो कोई भी किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होता, CO2 वगैरह के साथ रिएक्शन नहीं होती, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, ठीक है, हाइड्रेट बनाता है। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 आपको जो है वो एक पैसेज है कि स्कैंडियम इज फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली शोज पैरामैग्नेटिक करेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन।
एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय, भैया म्यू की वैल्यू जो है वो आपको बता रहा है कि हम बिल्कुल इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर द रूट एन, और ये एन प्लस टू बोहर मैग्नेटोन ये इसकी यूनिट होती है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो शोस वेरिएबल वैलेंसी, अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ स्कैंडियम प्लस थ्री, स्कैंडियम प्लस टू, स्कैंडियम प्लस पैरा मैग्नेटिक एज वेल एज कलर्ड आयन आर, ठीक है भैया। देखो जरा कि अगर मैं बात करूँ ना स्कैंडियम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इसका क्या होता है भैया, 4s2 3d1, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो अब आप देखोगे स्कैंडियम प्लस थ्री, तो स्कैंडियम प्लस थ्री में तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर, और बाहर हो गए तो स्कैंडियम प्लस थ्री में तो कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। फिर जो है वो स्कैंडियम प्लस टू, तो स्कैंडियम प्लस टू के लिए जो है वो आप देखोगे स्कैंडियम प्लस टू है तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से चले जाएंगे, एस वाले चले जाएंगे, तो यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो एक होगी। फिर है अपने पास कौन सा एस प्लस वन, तो प्लस वन के लिए जो है वो इसके लिए स्कैंडियम प्लस वन, तो यहाँ पर एस से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एन की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा वो आयन जो है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अनुचुंबकीय होगा और कलर्ड होगा, तो एस प्लस टू और एस प्लस वन, ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा एस प्लस टू और एस प्लस वन। एस प्लस थ्री जो है ना वो नहीं होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक मैं यहाँ से बता देता हूँ याद रखने के लिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, भैया अचार ध्यान में रख लो कि जो आयन अचार बनाता है वो रंगीन होगा। अचार का मतलब हो गया भैया यहाँ पर अपने पास, भैया देखो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो जो है वो चालक होगा और वो रंगीन होगा, है ना। तो अचार ध्यान में रखें, तो अचार बनाएगा तो आज के बाद में जो है आपका कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सेम टू सेम यही है पैराग्राफ अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12। तो बोल रहा है एस प्लस टू का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था भैया एस सी प्लस टू, तो एस सी प्लस टू के लिए आप देखोगे कि 4s2 3d1 है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, n की वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी, तो n की वैल्यू एक आएगी, तो भैया फॉर्मूला जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, अंडर द रूट टू ओके थ्री बोहर मैग्नेटोन, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो सीधा सा काम, तो कोई सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन पैराग्राफ है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द ऑब्जर्व वेवलेंथ इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम वर फर्स्ट एक्सप्रेस्ड बाय बामर, बामर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये जो है वो मतलब बेसिकली बामर ने एन वन की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी ले रखी है, टू ले रखी है, और एन की वैल्यू जो है 3, 4, 5 हो सकती है। तो कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में पूछिए, इन द बामर सीरीज ऑफ स्लाइटली आयोनाइज्ड सिंगली आयोनाइज्ड एच प्लस, इग्नोर द न्यूक्लियर मोशन इन योर कैलकुलेशन, ठीक है भैया। तो बामर की सबसे जो लंबी वेवलेंथ वाली है ना वो आपको निकालनी है। तो भाई देखो जरा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो हमेशा फर्स्ट लाइन की होती है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो कौन सी लाइन की होगी, फर्स्ट लाइन की होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो किसकी होगी भैया, फर्स्ट लाइन की होगी, और फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ आपको निकालनी है। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दी है, कितनी दी है, n1 की वैल्यू जो है कितनी, दो, और n2 की वैल्यू फर्स्ट लाइन के लिए कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है भैया अपने पास, उसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, n1 square minus n1 square, और ये आ जाएगा भैया 1 by r, और ये जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना ऊपर, तो 9, 8 r, और z की वैल्यू कितनी आ गई, और आगे, ठीक है। अब देखना कि भैया 1 by r जो है वो ये आपको पता ही कितना होता है, 912 एंगस्ट्रम होता है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको निकालना, कैलकुलेशन खुद को करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है भैया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विल ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम 7th to 2nd शेल। देखो जरा कि 7 से जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, 7वें से जो है वो इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है, कितने फोटोन एमिट होने चाहिए। तो अगर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं ना, तो हमें कितने n2 minus n1
है ना कि भैया सिंगल फोर फोर सिंगल हाइड्रोजन एटम, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमेशा होता है एन टू माइनस एन वन, ठीक है। और यही चीज फोर ए सैंपल, फोर ए सैंपल, ठीक है, ये हमारे पास होता है भैया एन टू माइनस एन वन और एन टू माइनस एन वन प्लस वन। या तो आप क्या करो भैया एक एक लाइन बना बना के चेक करो, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना एक चीज में बता देता हूँ, अगर मेंशन नहीं होता है तो ज्यादातर केस में वहां पर सैंपल ही होता है, क्योंकि एक अकेला एटम का स्पेक्ट्रम चेक करना जो है वो कम प्रेफर करते हैं, एक से ज्यादा एटम ही वहां पर होते हैं, तो हम यही तरीका लगाएंगे। तो एन टू माइनस एन वन और ये आ जाएगा भैया एन टू माइनस एन वन प्लस वन, ठीक है, बाय टू, ठीक है। तो ये अपने पास ओवरऑल कितना आएगा पांच, और वहां पर कितना आ जाएगा छः, ये दो, यानी कि कितनी लाइनें दिखेगी, पंद्रह लाइनें आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर पंद्रह के बाद में, चौदह के बाद में क्वेश्चन नंबर पंद्रह, ठीक है। तो देखना कि क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है नाइट्रस एसिड HNO NaNO2 plus HCl react with all type of amine, the product obtained from these reaction depend on the on whether the amine is 1 degree, 2 degree and 3 degree, the amine is aliphatic or aromatic। तो ये इस पर डिपेंड करती है कि अपनी amine कैसी है। फिर aliphatic primary amine react with nitrous acid to form alcohol as major product and reaction proceed through carbocation, carbocation बनता है reaction। तो अब आपको ये बोल रखा है कि भैया देखो जरा एक रिएक्शन दे रखी है, जीरो से पांच पर रिएक्शन करवानी है, ये वन डिग्री एमीन है, तो भैया वन डिग्री एमीन है तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूंगा कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। तो इस रिएक्शन में जो है वो अपने पास कार्बोकेटाइन जो बना है ये वाला कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन बना है तो इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, तो ये रीअरेंज होगा, तो भैया यहाँ से जो है मिथाइल शिफ्टिंग करवा देता हूँ, तो ये मिथाइल शिफ्टिंग करवा दी, क्यों, क्योंकि बेंजाइली कार्बोकेटाइन बनेगा, तो मिथाइल शिफ्टिंग जब करवाऊंगा तो पीएच और ये एक मिथाइल यहाँ एक यहाँ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल फाइनल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इसमें और ज्यादा रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इस पोजीशन में इस कंडीशन में आप क्या करोगे भैया, जो OH जुड़ेगा ना वो इसी पर जुड़ेगा, यानी हमारे पास जो है वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये OH और ये पीएच जो है यहाँ पर आएगा, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट जो है वो बनने वाला है, एक ही प्रोडक्ट ऐसा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 16, तो सेम ही पैराग्राफ है, अब HNO2 के साथ जो है वो आपको किसकी सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना। तो अब सेकेंडरी एमीन जो है वो कैसे रिएक्शन करेगी, तो ये हमें समझना है। तो देखिएगा जरा सेकेंडरी एमीन जो है वो किस तरह से रिएक्शन करती है, ये हमारे पास N और ये H और ये जो है वो इसके पास एक मिथाइल है, रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, HNO2 के साथ, ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो इसके साथ करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा भैया, ये वाला हाइड्रोजन जो एसिडिक है तो ये क्या करेगा भैया, इसको क्या चाहिए, या फिर आप ऑक्सीजन को OH को ध्यान से देखो, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लोन पेयर देगा, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और इसको जैसे ही लोन पेयर देगा तो भैया हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, देखना जरा कि कंडीशन ऐसी आएगी, यहाँ पर O और ये H और ये H, ठीक है भैया, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को लोन पेयर दिया, ये अपने पास जो है वो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, ये H और ये आया HNO2, H एंड O2, ठीक है। तो इसने इसको लोन पेयर दिया, लोन पेयर दिया तो भैया यहाँ से H प्लस क्या हो गया बाहर, H प्लस बाहर हुआ और ये जो है वो NO2 प्लस बनेगा, तो ये नाइट्रोजन जो है वो इस NO2 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो हमारे पास जो एक तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और साथ में यहाँ इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ेगा भैया, NO जुड़ेगा, यानी N नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, N नाइट्रोसो कंपाउंड जो कौन सा है, सेकंड वाला। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो अगेन एक पैराग्राफ है, द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन द शोन ग्राफ, इन ग्राफ वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया, वर्क के बारे में आपको जो है वो एक क्या दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट रिवर्सिबल वर्क डन बाय द सिस्टम इज द मैक्सिमम ऑब्टेन वर्क डन, बिल्कुल भैया रिवर्सिबल वर्क में, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें वर्क डन हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और ये बोल रखा है कि द वर्क ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल भैया आइसोथर्मल एडियाबेटिक का जो है वो अलग अलग होता है, फिर आपको आगे
रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क डन दे रखा है इतना, या अगर V1 by V2 को आप रिप्लेस करके नेगेटिव हटा दोगे तो P2 by P1 भी बोल सकते हो। एडियाबेटिक रिवर्सिबल में जो है वो वर्क डन हम निकालते हैं CV W इक्वल टू होता है ना एडियाबेटिक फर्स्ट लॉ से निकालते हैं क्या डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या बोलते हैं क्यू जीरो होता है तो जो डेल्टा ई है वो ही डब्ल्यू के बराबर होता है। डेल्टा ई क्या होता है एनसीवी डेल्टा टी, तो ये एनसीवी डेल्टा टी तो है ठीक है। तो भैया पहले क्वेश्चन नंबर जो है वो अपने पास है 17 W1 W2 W3 एंड W4 आर वर्क डन इन आइसोथर्मल एडियाबेटिक आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस रेस्पेक्टिवली देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वुड बी करेक्ट। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो अपने पास PV कर्व होता है इसका जो एरिया है वो ही अपने पास क्या होता है वर्क डन होता है। PV कर्व जो है वो इसीलिए दिया गया है कि इसका एरिया जो है वही क्या होता है वर्क डन होता है ठीक है। तो आप देखो जरा सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें मिलेगा, इसके नीचे का एरिया निकाल लो भैया ये आइसोकोरिक में तो क्या हो गया जीरो हो गया, तो आइसोकोरिक वाले में जो है वो आपको कोई एरिया मिलेगा ही नहीं तो इसमें तो जीरो हो गया। तो भैया आइसोकोरिक का कौन सा है इनमें से, आइसोकोरिक का W4, तो W4 तो सबसे कम हो गया तो W4 सबसे कम आना चाहिए यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बराबर तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा W4 इसी में सबसे कम आ रहा है ये एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है ठीक है। फिर भी देख लेते हैं W3 सबसे ज्यादा होगा, भैया देखना जरा कि ये आइसोबेरिक है तो आइसोबेरिक में एरिया जो होगा ये वाला एरिया जो है वो आइसोबेरिक का होगा क्लियर है बात, और आइसोबेरिक का एरिया आप देखोगे इनमें सबसे ज्यादा है तो W3 जो है वो किसका है आइसोबेरिक का ही है तो W3 सबसे ज्यादा होगा। फिर अगर आप चेक करोगे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का, तो आइसोथर्मल का जो एरिया है ना वो आपको इतना मिलेगा या आइसोथर्मल का एरिया, तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा, फिर एडियाबेटिक का एरिया जो है वो आपको थोड़ा सा और कम मिलेगा तो इसका कम होगा। तो इस तरीके से आप एरिया से चेक कर सकते हो क्या वर्क डन। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो अपना इस ऑप्शन में करेक्ट है, क्वेश्चन में सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आप क्या बोल रहा है, ये है कि भैया द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिक सेम टू सेम ग्राफ है ठीक है, बस क्वेश्चन चेंज किया, द क्यू वैल्यू यानी हीट एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। भैया ये देखो आइसोथर्मल है रिवर्सिबल है और एक्सपेंशन है ठीक है, ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम इनिशियल प्रेशर टू वन बार टू फाइनल प्रेशर ऑफ 0.1 bar, मतलब आपने पहले प्रेशर था 1 बार फिर फाइनल प्रेशर एक्सपेंड कर दी तो 0.1 बार हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो Q और किसकी वैल्यू पूछी है भैया, इसकी W की वैल्यू पूछी है ठीक है। तो देखना कि भैया Q और W अगर आपको निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस से, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि भैया अपने पास डेल्टा E, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W होता है, और डेल्टा E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी है ना। अब एक मोल आपको दे रखा है डेल्टा टी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या कर दिया जीरो कर दिया, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आई जीरो आई ठीक। तो डेल्टा ई जीरो हो गया तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा। तो पहली बात तो ऐसा कहीं पर एक्सप्रेशन होना चाहिए यानी वैल्यू मैग्नीट्यूडली बराबर होनी चाहिए, तो मैग्नीट्यूडली जो बराबर जो पहले में भी दे रखा है दूसरे में भी दे रखा है तीसरे में देखो जरा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चौथे में जो है नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं ठीक है, तो या तो पहला होगा या दूसरा होगा। अब मैं Q और W की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ तो देखिएगा, तो भैया अगर आपको जो है वो Q निकालना है तो Q और W तो मैग्नीट्यूडली तो क्या है दोनों बराबर है, तो W आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है W की वैल्यू देखो आपको दे रखी है प्रेशर की टर्म में 2.303 nRT log P2 by P1, तो W इज इक्वल टू आ गया भैया 2.303 nRT और ये आ गया log और ये P2 by P1, तो 2.303 n की वैल्यू 1 r की वैल्यू भैया देखो नीचे ऑप्शन जो है वो किलो जूल में है तो जूल वाले लेने पड़ेगी यानी 8.3 टेम्परेचर जो है वो आपको कितना दिया, टेम्परेचर जो है वो भैया 273 दिया है और इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना 1 बार है ना, ये दिया है 273 और log P1 की वैल्यू 1 है ये कितना है 0.1 क्लियर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 5.22 ठीक है ना, तो माइनस 5.22 तो अगर W आ गया तो बेसिकली जो है वो हमारे पास जो है वो Q भी आ ही जाएगा, तो आंसर जो है वो फर्स्ट वाला जो है क्या है सही। तो कंसेप्ट मैंने बता दिए, कैलकुलेशन वगैरह आपको खुद को करनी है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो
हैविंग अ सेकेंडरी एमाइन रिएक्ट विद कार्बिल एमीन कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म इनेमिन्स, ठीक है, कि सेकेंडरी एमाइन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके इनेमिन बनाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, इनेमिन आर गुड न्यूक्लियोफाइल, द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन ऑफ इनेमिन मेक्स देम पर्टिकुलरली यूजफुल रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है भैया, इसमें एक लाइन लिखी है कि भैया एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये रिएक्शन जो है वो बिल्कुल अपने पास किस तरीके से होगी कि जो कंपाउंड आपको दिया है, ये कंपाउंड गिवन है और रिएक्शन आपको करवानी है भैया इस एमाइन के साथ, ठीक है, रिएक्शन आपको इस एमाइन के साथ करवानी है, तो सीधी सी बात है रिएक्शन जो होगी वो वहीं होगी जहां पर पोलैरिटी ज्यादा होगी। ये अपना न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां पर इसको पॉजिटिव चार्ज नजर आता है, तो इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ग्रुप पोलर ग्रुप है, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ जाएगा, तो हमारे पास जो है वो रिएक्शन में ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ये तो ओ माइनस और यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये कुछ इस तरीके से अपने पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपने ऊपर, खींच लेगा मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरीके से इसने खींचा और अपने पास जो है ना ओवरऑल रिएक्शन जो होगी तो ये वाला बनेगा H प्लस यहाँ से बाहर हुआ और ये O माइनस और फिर अपने पास बना भैया N और ये वाली कंडीशन आई। ठीक है, अब देखना एक चीज कि भैया ये वाला ऑक्सीजन है और मीडियम में H प्लस पड़ा है तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा और इसका प्रोटोनेशन होगा तो हमारे पास जो है वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये N और यहाँ पर जो है वो अपने पास क्या आया OH। ठीक है, अब देखो कि ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिक नेचर का एसिडिक नेचर का होता है जो अपन ने देखा था अभी पहले, तो अब यहाँ से इस कंपाउंड में क्या होगा, इस तरीके से जो है वो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलेगा तो अपने पास फाइनल जो कंपाउंड है वो ये वाला बनेगा। पहले ये डबल बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन और ये वाला कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजन पर जो है वो लोन पेयर। ठीक, अब देखना कि अब आगे जो है वो इस कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो आपको करवानी है, यहाँ तक अपन पहुंच गए, इस कंपाउंड की रिएक्शन CH3COCl के साथ करवानी है। ठीक है, तो CH3COCl के साथ जब मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाऊंगा CH3COCl, ठीक है, तो अगेन अपने पास देखना कि भैया इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पर तो ये वाला कार्बन जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो हमारे पास जो है वो ये कंडीशन आ गई CH3 और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा और यहाँ पर आ गया Cl और ये आ गया भैया अपने पास कंपाउंड। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन आएगी N, ठीक है, और नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा ऐसा पॉजिटिव, अब ऑक्सीजन जो है जैसे ही अपना लोन पेयर यहाँ रखेगा तो यहाँ से Cl माइनस बाहर, गुड लिविंग ग्रुप है, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो ओवरऑल जो है वो कंपाउंड जो है वो अपने पास ये वाला बनेगा, यहाँ नाइट्रोजन आएगा, ये पांच कार्बन की अपने पास क्या हो गई, रिंग होगी और इस पर जो है वो इधर अपने पास जुड़ा है क्या CO और ये CH3, कुछ इस तरीके कंपाउंड जो है वो देखने को मिलेगा और ऐसा जो है वो एक ही कंपाउंड अपने पास वो ये वाला है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा ओवरऑल इस रिएक्शन में, आप ध्यान से एक बार रिएक्शन को ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 नंबर क्वेश्चन सेम पैराग्राफ है, अब आपको जो है वो रिएक्शन इसकी करवानी है 2° एमाइन, सेम टू सेम तरीके से वैसे ही रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन जब करवाऊंगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ जाता है, जहां पर पोलैरिटी दिखेगी, तो अपने पास जो है वो CH3 और ये आया NH और ये CH3, ये जाएगा यहाँ पर, ये वाला इधर। ठीक, तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल अभी पहले जैसे आपने रिएक्शन करवाई थी ना वो ही मेथड है, सेम टू सेम, ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया। अब ये वाला ऑक्सीजन जो है यहाँ से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है तो नाइट्रोजन जो है वो इसको बाहर करेगा और ये ऑक्सीजन जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर देगा, तो वही कंडीशन सेम टू सेम, और ये नाइट्रोजन और यहाँ पर जुड़ेगा भैया CH3 और ये CH3, ये यहाँ पर OH और ये H, अगेन यहाँ से H2O बाहर
H2 बाहर हुआ तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास पहले ये वाला कंपाउंड बन गया। इतने रिएक्शन जो है वो तो सेम ही, आगे जो है वो रिएक्शन किसके साथ करवानी है, ये तो जो है वो यहाँ तक की। अब रिएक्शन आपको करवानी है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये NO2, तो इस कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो अब मैं करवाऊंगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये NO2। इस कंपाउंड में देखना जरा कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है वो इसमें किधर है, इधर। तो ये जो है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अब ये वाला कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक टर्मिनल हो और ये वाला कार्बन जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। तो हमारे पास जो है वो कंडीशन ऐसी आ जाएगी, ये भैया डबल बॉन्ड आएगा और नाइट्रोजन और ये CH3 और ये CH3, ये पॉजिटिव चार्ज और इस बॉन्ड पर अपने पास जुड़ेगा यहाँ पर CH2 और ये CH, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ये N और ये डबल बॉन्ड और ये O, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड यहाँ है, ये वाला इधर जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल जो कंपाउंड होगा ना वो ये वाला बनेगा। यहाँ पर तो आ जाएगा भैया नाइट्रोजन और ये आ गया CH3, ये आ गया CH3 और फिर यहाँ पर आ गया भैया पॉजिटिव चार्ज और ओवरऑल जो हम यहाँ पर अपने पास जुड़ रहा है भैया CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये N, ठीक है, ओके डबल बॉन्ड और ये N और यहाँ पर आया O माइनस और यहाँ पर पहले से ही अपने पास माइनस और इस पर पॉजिटिव, तो ये वाला जो है वो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास रिएक्शन में रहेगा। और ऐसा जो है वो अपने पास एक ही है, कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरे को ऐसा दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप आपको जो है वो दोनों क्वेश्चन ऐसे समझ में आएगा, दोनों क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट है, सेम तरीके से रिएक्शन हो रही है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला सेक्शन अपने पास है भैया वन और मोर देन वन करेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो है वो पहला क्वेश्चन अपने पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला बोल रहा भैया एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ HE+। चेक करते हैं भैया, देखो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो हम कैसे लगाते हैं, कैसे देते हैं, -13.6 Z² / N², ठीक है। अब दोनों में N की वैल्यू तो क्या है, सेम है, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो Z की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहां पर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन की फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी हीलियम से ज्यादा होगी, ठीक है। और इसमें यही बोल रखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम HE+। तो इसका मतलब फर्स्ट जो है वो क्या है, सही। सेकंड की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्या ऐसा होता है क्या, प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ी है, तो प्लांक कहता है कि भैया एनर्जी जो होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रिक्वेंसी के। जब आप ये हटाओगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, HU आ जाएगा और E इज इक्वल टू जो वो क्या हो जाएगा भैया अपने पास HC/λ, ठीक है ना। तो ये जो है फ्रिक्वेंसी के तो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो भैया ये बोल रहा है इसमें, इसका मतलब ये वाला जो है फ्रिक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, गलत है। एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बिल्कुल जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ HE+ ion इज 0.529। भैया देखो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बोहर ऑर्बिट है 0.529 N² / Z। अब जो है वो अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में निकालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, N की वैल्यू 1 रखोगे, Z की वैल्यू 2 रखोगे, तो भैया 0.529 नहीं आएगा, इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। तो पहला हो रहा है द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेंड फ्रॉम ए सिंगल लाइन ड्यूरिंग ज़ीमान इफेक्ट इज 2+L। भैया ये क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको ज़ीमान इफेक्ट समझना पड़ेगा, देखो जरा ठीक से आपको ज़ीमान इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। ज़ीमान इफेक्ट होता क्या है, ठीक है भैया, देखना कि ज़ीमान इफेक्ट जो है इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं किसी भी एटम से या किसी भी स्पीसीज से हमने जो स्पेक्ट्रल या स्पेक्ट्रम उसका जो बनाया है, तो आपको स्क्रीन पर जो है वो या तो डार्क लाइनें दिखाई देगी या फिर ऐसे करके कुछ ब्राइट लाइनें दिखाई देगी, ठीक है। तो अब अगर आप क्या करते हो कि भैया जहां से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भर रखी है, तो हाइड्रोजन गैस भर रखी है तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, यहाँ से जो है वो एनर्जी निकलेगी, क्यों निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, ट्रांजिशन होगा,
और फिर इसको प्रिज्म से पास गुजार के मैं इसका स्पेक्ट्रम बनाऊंगा। तो अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो आप देखोगे कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन आपको इस तरीके से मिल रही है, ये स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे जगह जगह से जो है वो क्या हो जाएगी, ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, टुकड़ों में टूट जाएगी। ठीक है, आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्प्लिटिंग होती है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग होती है तब तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, और जब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो अगर स्प्लिटिंग होती है तो उसको ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब समझो कि स्प्लिटिंग होती क्यों है। भैया स्प्लिटिंग जो है स्पेक्ट्रल लाइन की, वो अपने पास होती है कि जैसे आपको पता है कि भैया पी जो है, पी ऑर्बिटल जो होता है उसकी डीजनरेसी कितनी है, उसकी डीजनरेसी 3 है। डीजनरेसी का मतलब है इसमें 3 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और डी ऑर्बिटल जो है उसकी डीजनरेसी ऐसे कितनी है, उसकी डीजनरेसी जो है वो 5 है, क्योंकि इसमें जो 5 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो है डीजनरेसी इनकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और ये जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में जो है ये क्या हो जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना भैया, जिसमें CFSE जो है वो आप पढ़ते हो वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है ना, तो बिल्कुल इन ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी खत्म होने के कारण, ऑर्बिटल जो है डीजनरेसी खत्म हो रही, तो ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, तो इसी की वजह से जो है वो अपने पास क्या होती है, जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है, और स्पेक्ट्रल लाइन के स्प्लिट होने की वजह से जो है वो हमें ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो इसका रीजन है। अब देखना जरा कि आपको ये बोल रहा है कि द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल लाइन ड्यूरिंग ज़ीमैन इफेक्ट, एक सिंगल लाइन से, यानी कि मान लो हमारे पास कोई भी डीजनरेट ऑर्बिटल है, तो इससे इस पूरे से एक सिंगल लाइन ऑब्जर्व हो, तो आप बोल रहा है कि जब ये स्प्लिट होगी तो मैक्सिमम कितने में स्प्लिट हो सकती है, तो ये 2L+1 से स्प्लिट हो सकती है। तो 2L+1 एक्चुअल में है क्या, आप समझो भैया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल, तो ये अपने पास होता है 2L+1। किसी भी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2L+1 से दिए जाते हैं। अगर ये स्प्लिट होता है इस पूरे की वजह से, तीनों की वजह से जो है वो तीनों एक ही एनर्जी लेवल पर है, तो आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देगी। अगर ये स्प्लिट होता है तो मैक्सिमम कितने में स्प्लिट हो सकता है भैया, 3 में स्प्लिट हो सकता है, तीनों की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आपको कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। कहने का मतलब है कि जितने ऑर्बिटल्स होंगे ज़ीमैन इफेक्ट में स्प्लिटिंग के बाद में, आपको उतनी ही मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई दे सकती है, तो इसको बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है ना, तो क्या ये सही है, बिल्कुल जी ये सही है। तो एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज इनवर्स, ओके कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो पीछे वाला आ गया, हाँ तो क्या ये सही है, बिल्कुल जी ये सही है। ठीक है, अगला है कि इन द लाइमन सीरीज एज द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन इंक्रीज देन द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखिए लाइमन सीरीज ही नहीं, कोई भी सीरीज हो, है ना, कोई भी अपने पास सीरीज आ जाए, जैसे कि हम बात करें हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है, ये मान लो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये लाइमन, ये बामर, ये पाश्चन, ये ब्रैकेट, ये फोंड, ये हम्फ्री, ठीक है, तो ये अपने पास है। तो भैया पहली लाइन 2 से 1 में, दूसरी लाइन जो आएगी वो आएगी कहाँ से कहाँ, 3 से 1 में, तीसरी लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ, चौथी लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ। तो जैसे जैसे भैया ये जो है वो अपने पास लाइनें, नंबर ऑफ लाइन बढ़ती जाएगी, इन लाइनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ना, ये क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और रीज़न इसका ये है कि भैया जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो ना, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, वैसे वैसे रेस्पेक्टिवली ये जो दो एनर्जी के, जो अपने पास ये वाला जो एनर्जी गैप है, ये रेस्पेक्टिवली लगातार क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये इसी स्टेटमेंट का मीनिंग है, तो बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल इज इन द विसिनिटी ऑफ द सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कमफेरेंस जो होती है इसकी, उसके आसपास होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपको याद हो तो साई स्क्वायर आर और इधर आर के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो 1s ऑर्बिटल जो आता है उसके लिए ग्राफ जो बिल्कुल यहाँ से चालू होता है, एकदम लगभग जीरो से, है ना, एग्जैक्टली जीरो से चालू भी नहीं होता,
ग्राफ जो है वो कुछ अपने पास ऐसा निकल के आता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस छोड़ते ही आपको क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो होता क्या है ना कि जैसे मान लो कोई भी अपने पास है, ये 1s का एग्जांपल इसने पूछा है, बाकी कोई भी हो है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो कुछ ऐसे वेव बनाते हुए चक्कर लगाएगा, ये वेव इनकम्प्लीट बनी है, इनकम्प्लीट वेव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डी ब्रोगली कहता है कि भैया पार्टिकल है, तो पार्टिकल जब चक्कर लगाएगा तो ऐसे वेव बनाते हुए चक्कर लगाएगा, ये लो जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो आप ध्यान से देखना कि कभी आप इलेक्ट्रॉन ढूंढने गए तो इस सर्कमफेरेंस के पास आपको हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर मिल जाए, हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर मिल जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मिल जाए। तो आपको इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये एक रेडियस है अपने पास, एक रीजन है, इस रीजन के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन आपको जो है वो कहीं पर भी मिल सकता है, ठीक है। हाँ, इस रीजन के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो जिसको मैंने मार्क किया है, इस रीजन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन आपको कहीं पर भी मिल सकता है। तो भैया ये जो रीजन है ये इस सर्कमफेरेंस के आसपास है, हाँ सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो सर्कमफेरेंस पर होगी, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस सर्कमफेरेंस पर ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऐसा नहीं, इस सर्कमफेरेंस के आसपास वाले इतने रीजन में आप देखोगे साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या है, मैक्सिमम आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पर जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको ये बोल रहा है 1s कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना इसकी परिधि के आसपास होती है। चौथा है द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल एग्जैक्टली एट द मिडिल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सर्कमफेरेंस। भैया ये कोई बात थोड़ी ना होगी कि न्यूक्लियस और सर्कमफेरेंस के बीच में बोल रहा है यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ कहाँ से मिलेगा भैया, यहाँ मिल रहा है क्या ये, यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम, हाँ अगर ये बोलता कि एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पर एकदम सर्कमफेरेंस पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी तो ये बात तो सही होती, लेकिन ये बोल रहा है न्यूक्लियस और सर्कमफेरेंस के बीच में होगी, यहाँ कहाँ से होगी। हाँ तो भैया अपने पास जो है वो कौन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड सही है, सेकेंड और फर्स्ट, ये तीनों सही है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, कि कौन सी मेजर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहली रिएक्शन जो है वो आपको दे रखी है भैया, देखना ये एक अपने पास ऑक्साइम है, ठीक है, और किसी भी ऑक्साइम को अगर आप H+ की प्रेजेंस में क्या करोगे, हीट करोगे, जैसे कोई भी अपने पास मान लो ऑक्साइम है, ठीक है, इस तरीके का R और यहाँ पर CH3, ये डबल बॉन्ड N और ये लोन पेयर और ये OH, ये अपने पास एक ऑक्साइम है, इसको क्या करोगे आप H+ की प्रेजेंस में हीट करोगे, आप H+ से ले सकते हो या फिर यहाँ पर H2SO4, PCl5 या SOCl2, ये सारी चीज़ें हम काम में ले सकते हैं। तो जब H+ की प्रेजेंस में हीट करोगे तो हमारे पास देखो क्या होगा, ये CH3 और डबल बॉन्ड N और ये लोन पेयर, ये ऑक्सीजन जो है ना ये क्या करेगा, इस H+ को अपना लोन पेयर देगा, तो अपने पास कंडीशन ऐसी आ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, क्लियर बात। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि भैया H2O बन रहा है, तो H2O एक गुड लिविंग ग्रुप है, और H2O जो है वो यहाँ से बाहर होगा, तो अब इसमें होगा रीअरेंजमेंट, ये वाला जो OH के अपोजिट जो ग्रुप होता है, OH के अपोजिट ग्रुप एल्काइल ग्रुप R, ये क्या होता है, इसकी शिफ्टिंग होती है, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ यहाँ से उठकर जो है वो नाइट्रोजन पर शिफ्ट होता है। तो हमारे पास जो है वो ये वाला कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर आ जाएगा R, और इस कार्बन पर देखो जरा ध्यान से कि कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि वाटर अपने पास रखा है, तो वाटर जो है वो अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस कार्बन को जो है वो लोन पेयर देगा, तो भैया इस केस में जो है वो अपने पास CH3 और यहाँ पर आ जाएगा भैया ओ एच, वाटर ने ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया डबल बॉन्ड और ये N और ये R, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तुरंत H+ से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हाइड्रोजन से, तो हमारे पास जो ये वाली कंडीशन आएगी OH डबल बॉन्ड N और ये R। ध्यान से देखो इस कार्बन में जो है वो आगे क्या हो सकती है, टॉटोमेरिज्म हो सकती है, तो ये जो है वो आगे टॉटोमेराइज होगा, टॉटोमेराइज होकर जो है वो ये वाला इधर और ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो ये यहाँ पर, हालांकि जो है वो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग जो है वो सॉल्यूशन से आता है, जो H+ आता है वो सॉल्यूशन से आता है, लेकिन हम शॉर्ट में जो है वो जल्दी से करने के लिए क्या करते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर देता हूँ, साफ लिख देता हूँ CH3 C और ये OH, ठीक है, और यहाँ पर N और ये R। तो हम क्या करते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए जो है वो इसको, इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ चिपका देते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ पर कर देते हैं, केवल समझने के लिए। वैसे हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आता है, सॉल्यूशन से आता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
तो फाइनल जब बेकमास रीअरेंजमेंट होता है तो अपने पास क्या बनता है भैया, एमाइड बनता है, ठीक है ना। तो देखना कि अपने पास जो है वो रिएक्शन हुई, और अब इस रिएक्शन की बात मैं करूंगा। तो इस रिएक्शन में अपने पास जो है वो इस रिएक्शन में अपने पास जो है वो एक आपको ऑक्साइम दे रखा है, ऑक्साइम जो है वो सी एस थ्री और सी ओ और ये सी और ये सी एस थ्री डबल बॉन्ड एन और ये ओ एच। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ओ एच के अपोजिट ग्रुप कौन है, सी एस थ्री। तो भैया इसकी शिफ्टिंग होगी, ये शिफ्ट होकर जो कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन पर। पूरी मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बता रखी है, बता दिए, तो मैकेनिज्म को आप खुद फॉलो करें और फिर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, ओ एच डबल बॉन्ड एन और यहाँ आ जाएगा सी एस थ्री। ये वाला कंपाउंड जो है वो आगे टोटमराइज होगा, तो एच यहाँ पर, बॉन्ड यहाँ पर, तो हमारे पास जो ओवरऑल कंपाउंड जो बनेगा वो ये वाला एमाइड प्राप्त होगा, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ आ जाएगा एन एच और ये सी एस थ्री। चेक करते हैं क्या ये ही कंपाउंड दे रखा है। तो बिल्कुल भैया जी, यही कंपाउंड दे रखा है, इसका मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट। फिर नेक्स्ट अगला है, आपको ये एक रिएक्शन दे रखी है भैया, ये तो जो है वो पहचान गए होंगे मेरे ख्याल से, रिएक्शन ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फेमस रिएक्शन, हॉफमान डिग्रेडेशन या हॉफमान्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में हम सिंपली क्या करते हैं, तो भैया कोई भी अपने पास जो भी एमाइड होता है, एक कम कार्बन की एमीन बनाने के लिए ये रिएक्शन बेसिकली हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर Br2 और Br2 के साथ क्या काम में लेते हैं भैया, KOH काम में लेते हैं, ठीक है। तो एक कम कार्बन हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है और क्या बनता है, एमाइन बनता है। तो क्या इसमें ऐसा ही किया गया, बिल्कुल इसमें ऐसा ही किया गया, तो ये वाला भी अपना सही। तीसरी रिएक्शन देखो, कीटोन दे रखा है Br2KOH और इधर NH2 लगा रखा है। भैया इस रिएक्शन का, इस प्रोडक्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भैया सीधा साफ दिख रहा है ब्रोमीन और रिएजेंट एटम चेंज हो गए, ठीक है ना। कैसे चेंज हुए इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक रिएजेंट इसके अलावा यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये गलत है। चौथी रिएक्शन जो है वो देखना जरा कि भैया चौथी रिएक्शन जो है इसमें एसाइल क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन जो है वो Na(N3) के साथ करवा रखी है, ठीक है, सोडियम एजाइड के साथ करवा रखी है। रिएक्शन अगर आपको याद आ गई हो तो मैं आपको बता दूँ, भैया जो कर्टियस रिएक्शन या स्मिड रिएक्शन जैसा वैसा कुछ हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं देखना जरा कि उसमें जो है वो हम क्या करेंगे कि उसमें हम क्या करते हैं कि भैया अपने पास जो है वो RCO और ये जो Cl होता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है वो हम करवाते हैं सबसे पहले NaN3 के साथ, और NaN3 जब ब्रेक होता है तो आपको Na+ मिलेगा और N3- मिलेगा, ठीक है। और इसमें से काम की चीज जो है ना वो अपने पास N3- है, स्ट्रक्चर इसकी कुछ यूं होती है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये जो है वो अपने को कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर इसको पोलरिटी दिख रही है, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा। तो हमारे पास ओवरऑल जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आएगा भैया O-, ये जो है वो क्लोरीन, और यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आएगा, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पहले से है, ठीक है। तो हमारे पास देखो, अच्छा ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा तो Cl जो है गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर हो जाएगा, तो अपने पास RCO और यहाँ पर आ जाएगा एक लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन और ये भैया कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है। अब अगर आप इस कंपाउंड को क्या करोगे भैया, क्योंकि हीट भी सामने दे रखा है साथ में है, तो इस कंपाउंड को जो है वो आगे क्या करोगे, आप थोड़ा सा बीट कर दोगे। वैसे नाइट्रोजन जो बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन बाहर हुआ, तो अब इसमें होगा रीअरेंजमेंट, ये वाला जो है वो यहाँ पर और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा और एक कंपाउंड बनेगा ये वाला, इसका नाम होता है N-alkyl isocyanate, ठीक है। और अब अगर आप इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो भैया इसका जब मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा H2 और ये O, डायरेक्टली करवाने का तरीका यही है। बाकी हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म जो है वो भी मैं फिर कभी आपको बता दूंगा, कभी मौका मिला तो। और ये अपने पास आ जाएगा RNH2, ठीक है, और साथ में जो है वो क्या बन रहा है, CO2, तो 1 डिग्री एमाइन इससे ओवरऑल बनता है। तो ये तो हुई रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब मैं बात करता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ, तो भैया ये अपने पास था, तो अब इसमें देखा जरा क्या होगा कि आपको जो है वो ऐसा एक कंपाउंड दे रखा है, अजीब सा, डरावना सा,
लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है भैया, आप तो कंसेप्ट को फॉलो करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो मैं इसकी करवाऊंगा किसके साथ, एजाइड के साथ, एनए एन थ्री के साथ, सेम टू सेम तरीके से। आपको क्या करनी है भैया, जो मैकेनिज्म अभी मैंने बताई उसको फॉलो करते हुए आपको काम करना है, और जब मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आप काम करोगे तो फाइनली जो है वो आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। देखिए ये कंपाउंड जो है फाइनली अपने पास बनेगा, यहाँ पर बी आर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, एनएच टू आएगा। ठीक है, अभी रिएक्शन यहाँ पर रुकी नहीं, यहाँ नहीं रुके क्योंकि रिएक्शन में ईट है, तो ये वाला जो है ना अपना लोन पेयर यहाँ देगा तो यहाँ से बी आर माइनस बाहर जाएगा ड्यू टू गुड लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। ठीक है, तो अपने पास जो है वो कंडीशन ऐसी आ गई, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा एन एच और ये एच, नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, फिर ये नाइट्रोजन क्या करेगा इस एच प्लस को यहाँ से फ्री कर देगा, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये एन एच और ये फाइनल ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं क्योंकि ध्यान से देखो आपको अभी एच टू ओ दे रखा है, एच टू ओ दे रखा है तो मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, और भैया इसका हाइड्रोलाइसिस अभी मैंने करवाया था, बॉन्ड तोड़ो और एच टू और ये ओ, हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म होती है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में करूँगा क्योंकि भैया अपन को जल्दी से जल्दी काम करना है, ये आपको बताई हुई है क्लास में। तो ये आया सी ओ और ये बना और साथ में जो अमोनिया साइड प्रोडक्ट बाहर, तो ये रिएक्शन फाइनली इस ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेगा। तो हमारे पास जो है वो ये वाला भी सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, तो ये है क्वेश्चन नंबर थ्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इंडिकेटेड इन द पैरेंथेसिस। ठीक है भैया, कि भैया आपको जो सीक्वेंस दिया है तो ब्रैकेट में जो प्रॉपर्टी दी है उसके साथ कौन सा मैच नहीं करता है या करता है। ठीक है, तो पहला है भैया आपको जो है वो ये तीन एसिड दे रखे हैं और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। ठीक है भैया, देखो छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, तो इसमें जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली जो प्रचलन में है ना कि भैया प्रोपोर्शन होता है किसके, माइनस आई या माइनस एम के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, प्लस आई या प्लस एम के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ हम इसी से चेक करते हैं, लेकिन ये चीज है क्या माइनस आई माइनस एम, ये कहाँ से आया? तो भैया एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में आज के बाद में जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप एक छोटा सा काम करना कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ जो ये सारे कंसेप्ट है ना ये इसी से बनते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कि अपना कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेटेड बेस पर मेनली जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज भैया आपको बताया कि चार्ज जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड बेस पर जितना कम होगा हम बोलेंगे इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कॉन्जुगेटेड बेस की, कॉन्जुगेटेड बेस जल्दी बनेगा, जैसे हमारे पास एच ए है, ये अगर एच प्लस रिलीज करेगा एच प्लस और ए माइनस, तो ये अगर एसिड है तो ये इसका क्या है कॉन्जुगेटेड बेस, अगर ये कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल है तो मतलब ये जल्दी बनेगा, और अगर ये जल्दी बनेगा तो इस केस में ये जल्दी H+ रिलीज करेगा, और ये जल्दी H+ रिलीज करेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखिए ये तो है मेन अपना जो कोर कंसेप्ट है वो, अब बात करता हूं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में अपने पास कितनी चीजें हैं, एक तो है फॉर्मिक एसिड, एक है भैया अपने पास एसिटिक एसिड, और एक है अपने पास CH3CH2 और ये COOH प्रोपेनोइक एसिड, तो इनसे जो है वो कॉन्जुगेटेड बनाते हैं, तो ये H+ में हटाऊंगा हमेशा, आपको जब भी H+ हटाना हो तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है वो ही H+ अपन हटाते हैं, ये कॉन्जुगेटेड बेस बना, ये कॉन्जुगेटेड बेस और यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। अब देखिएगा कि भैया नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में है, यहाँ पर भी रेजोनेंस में है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो सब में बराबर है, फिर यहाँ हाइड्रोजन का जो है वो कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, आई इसका जीरो होता है, CH3 का आप देखोगे जो है वो इसका प्लस आई होता है, प्लस आई वाला क्या करेगा इसको इलेक्ट्रॉन देगा,
और इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और अभी मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। और यहाँ पर C2H5 का जो है वो प्लस आई लग रहा है, तो इसका प्लस आई तो CH3 ज्यादा होता है। एल्काइल ग्रुप के केस में हम बोलते हैं कार्बन जितने ज्यादा होते हैं प्लस आई उतना ही ज्यादा होता है, तो भैया यहाँ पर प्लस आई ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा नेगेटिव यहाँ पर बढ़ा देगा, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा कर दिया, और ज्यादा कर दिया तो स्टेबिलिटी और कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई तो भैया हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो गई। तो इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ये वाला आएगा, क्या ये ऊपर यही ऑर्डर दे रखा है, बिल्कुल यही ऑर्डर दे रखा, तो पहला सही। दूसरा वाला सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है भैया जी, अब इसमें जो है वो यहाँ पर क्या कर रखा है, एक में फ्लोरीन लगा रखा है, एक में जो है वो अपने पास यहाँ पर फ्लोरीन लगा रखा है, आपको कंडीशन ऐसी दी है कि COOH और यहाँ पर जो है वो बीच में जोड़ दिया भैया CH2 और ये F, दूसरे में जो है वो Cl और ये CH2 और ये CO और ये OH, तीसरे में यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक है। तो भैया देखो जरा वही काम करूंगा मैं, तो क्या करूंगा कॉन्जुगेटेड बनाऊंगा, और कॉन्जुगेटेड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से H प्लस हटाना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक। तो सेम कंसेप्ट भैया, ये इतना तो सब में सेम है, CH2COOH ये तो सब में सेम है, तो जो चीज अलग होती है हम उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन है ना, यहाँ पर जो है वो अपने पास क्या था, फ्लोरीन था, यहाँ पर जो है वो क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है ब्रोमीन है, है ना। तो फ्लोरीन का प्लस आई जो है वो बहुत ज्यादा, माइनस आई ज्यादा होता है, अगर आप क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कंपेयर करोगे फ्लोरीन सबसे ज्यादा माइनस आई होता है, फिर इसका माइनस आई थोड़ा सा कम होता है, इसका थोड़ा सा और कम होता है, ठीक है ना। तो माइनस आई देखो जितना ज्यादा होगा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे खींचेगा, और इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इससे खींचे जाएंगे इसका नेगेटिव चार्ज उतना ही कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप बोलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो अपने पास क्या आएगा, ये वाला है, तो ऊपर जो है वो यही ऑर्डर दे रखा है, तो ये भी सही। तीसरा वाला आपको जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करते हैं, सेम टू सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन अगेन, एक तो आपको दे रखा है भैया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है वो आपको दे रखा है, तो डायरेक्टली मैं कॉन्जुगेटेड ही बना देता हूँ, तो एक तो जो है वो ये वाला कॉन्जुगेटेड, एक जो है वो आपको दे रखा भैया फिनॉल, तो ये है भैया अपने पास फिनॉल, और एक जो है वो आपको ठीक है पैरा एमिनो फिनॉल, ठीक है ये दे रखा है। तो अब देखिएगा पहली बात तो ये है कि भैया इसकी दो कॉन्जुगेटेड, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है इस ग्रुप की, इस ग्रुप की दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग केवल मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से जो है ये इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा, ये जो कॉन्जुगेटेड है इसका कॉन्जुगेटेड ये, तो इसका कॉन्जुगेटेड जो है ये कॉन्जुगेटेड इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर इसमें और इसमें बात करते हैं, तो ये जो है इसका पैरा पोजिशन पर प्लस एम लग रहा है, प्लस एम की वजह से ये इसको चार्ज देगा, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है तो इसका मतलब कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, और कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो आएगा ना वो अपने पास यही आएगा, ठीक है ना, ये सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है तीनों सही है। चौथे को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक तो आपको एनिलीन दिया है, तो एनिलीन का लोन पेयर जो वो रेजोनेंस में, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, यहाँ पर जो है वो एलिफेटिक एमीन है और ये एमाइड है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस पे है। भैया जी देखो जरा कि एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ अपने पास होती है भैया लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू एच प्लस, भैया जी एच प्लस को लोन पेयर डोनेट करने की, लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो ही बेसिक स्ट्रेंथ होती है, और ये जो है वो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो अपने पास जितनी ज्यादा होगी हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि H प्लस आया कि भैया लोन पेयर दे रहा है क्या, इसने कहा भाई मेरा लोन पेयर तो रेजोनेंस पे गया हुआ है रुक, ठीक है। H प्लस आया, इसने को कहा भाई लोन पेयर दे रहा है, इसने कहा ले ले भाई तुरंत दे देगा, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज है, ठीक है। यहाँ पर H प्लस आया लोन पेयर, भैया जी लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में गया हुआ है, एक बार रुकना पड़ेगा, तो यहाँ इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो इन दोनों से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये वाला बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर गलत है, केवल सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही इस पे सही है। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग शुगर एक्स एंड वाई इज आर, जो भी है इज या आर, ठीक है। तो देखते हैं
भैया सबसे पहले रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बता देता हूँ। जो भी टॉलरेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं करता वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी अपने पास हेमी एसिटाइल होते हैं, हेमी एसिटाइल मतलब जिनमें एक ही कार्बन पर OH और OR दोनों जुड़े होते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, अब देखना जरा इसमें कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा रिड्यूसिंग नहीं है। आप देखो जरा कि इस कार्बन को चेक करते हैं, इस कार्बन पर भैया इधर OR तो जुड़ा है, ये O और ये R, लेकिन इस कार्बन पर कहीं पर भी कैसे भी OH जो है वो खाली नहीं है। ठीक है, फिर जो है वो अगर मैं इस कार्बन को चेक करता हूँ तो इधर भी OR इधर भी OR, तो यानी कि ये वाला तो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, इस कार्बन को चेक करते हैं, इधर OR है इधर भी OR है। ठीक है भैया, इसका मतलब यहाँ तो काम चलेगा नहीं, यहाँ चेक करते हैं, ये O और ये R और ये OH, एक ही कार्बन पर OR और OH दोनों है, ये रिड्यूसिंग शुगर, ये जो है वो रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग, क्लियर है बात। अब देखना जरा कि मतलब मैं बोल सकता हूँ कि X जो है ना वो तो है नॉन रिड्यूसिंग और Y है रिड्यूसिंग, तो पहला तो हो ही नहीं सकता कि X एक जो है वो X इज ए रिड्यूसिंग दे रखा है। दूसरा जो है पॉसिबल है, चेक करते हैं। फिर जो है वो अगला आपको बोल रहा है ग्लूकोसिडिक लिंकेज, तो भैया देखना कि ये ग्लूकोसिडिक लिंकेज जो है वो आप देख रहे हो बिलो द प्लेन है, और बिलो द प्लेन होता है तो ये वाला अल्फा है, ठीक है, और ये वाला अबाव द प्लेन है तो ये वाला कैसा है बीटा है। ठीक है, तो अब देखो कि X इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल जी सही बात है, X नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एंड Y इज ए रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल ये तो सही बात है, सेकंड सही। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोसिडिक लिंकेज इन X एंड Y आर अल्फा एंड बीटा, बिल्कुल भैया इसमें अल्फा है और इसमें क्या है बीटा है, तो ये थर्ड भी सही है सेकंड भी सही है। और द ग्लूकोसिडिक लिंकेज इन X एंड Y बीटा एंड अल्फा, ना ये गलत हो जाएगा, तो अपना जो है वो सेकंड एंड थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एमाइड लिंकेज, किसमें से एमाइड लिंकेज। पहला स्टार्च, भैया स्टार्च जो है, स्टार्च जो है वो डी ग्लूकोज का क्या होता है पॉलीमर होता है, ग्लूकोज में कोई भी अपने पास एमाइड लिंकेज नहीं होता है। सेल्यूलोज ये ग्लाइकोजन होता है बेसिकली, जैसे ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर होती है वैसे सेल्यूलोज की होती है, सेल्यूलोज की होती है, तो ये भी नहीं होगा। प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो हम बोलते हैं प्रोटीन इज ए पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, तो प्रोटीन जो है ना वो अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। कैसे बनता है, तो भैया पेप्टाइड लिंकेज जो है वो होता है अपने पास अल्फा एमिनो एसिड, एक अल्फा एमिनो एसिड, जैसे ये अपने पास जो है वो एमिनो एसिड है, ठीक है, NH2 और ये COOH, तो एक का COOH ग्रुप और दूसरे का NH2 ग्रुप, तो दूसरे का जो है वो अपने पास ये NH2 ग्रुप, इसके साथ जो है वो रिएक्शन होगी ये R और ये COOH, तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा COON, मतलब COONH, तो एमाइड लिख के जाएगा, तो प्रोटीन में होता है। ठीक है, और नाइलोन 66 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड, तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो भैया नाइलोन 66 बनता है, तो भैया नाइलोन 66 में भी आप देखो कि एमाइड लिंकेज है और इसमें भी है, क्योंकि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, तो भैया ये अपने पास हेक्सामेथिलीन और ये डाइएमाइन, तो एक तरफ तो NH2 आ गया, एक तरफ एडिपिक एसिड है, तो एसिड का मतलब जो है वो अपने पास COOH ग्रुप होगा, तो यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये जो है वो क्या बनेगा अपने पास एमाइड लिंकेज बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास इसमें कौन कौन सा सही हो गया भैया, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। ठीक है, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, भैया NCERT जहां से आपका जो है वो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ चैप्टर शुरू होता है उसमें से जो है वो दूसरा पैराग्राफ या दूसरा सेकंड पैराग्राफ जो है वो आप ध्यान से पढ़े, ये चारों के चारों स्टेटमेंट वहीं से लिए गए एक ही पैराग्राफ। ठीक है, तो NCERT पर बेस्ट है, आपको जो है वो उसको पढ़ना है, मेरे ख्याल से इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिकुलर मास, बिल्कुल जी सही बात है, ड्रग्स प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, बिल्कुल प्रोड्यूस करते ही करते हैं। ठीक है, फिर अगला, ड्रग्स विच इज यूज टू डायग्नोस ए डिजीज आर कॉल्ड मेडिसिन, बिल्कुल भैया ड्रग्स जो है वो मेडिसिन भी होते हैं, आप बोल सकते हो कि भैया ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, क्योंकि कई बार जो है वो ड्रग का उपयोग जो है वो अपन किसी और पर्पज के लिए भी करते हैं, लोग नशा करने के लिए भी ड्रग्स लेते हैं, तो उस केस में उसको हम दवाई नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर जो है वो अगला है, इफ यूज ऑफ ड्रग इज फॉर थेरेप्टिक इफेक्ट देन दिस इज कॉल्ड कीमोथेरेपी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, उसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, सारे जो है थ्योरेटिकल पोर्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है,
कि कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स इज नियॉन 3s1, ठीक है भैया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग गिवन एंथैल्पीज। ओके देखिएगा भैया, इसका जो है ना x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये x है तो x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो अपने पास 3s1 है, तो ये x है, ठीक है। इसमें से जो है वो आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो डेल्टा h1 की एंथैल्पी आपको देनी पड़ी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया x+1 में बदल दिया, देखना। फिर जो है वो अगर इसमें जो है आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना तो x- बनेगा, और फिर x- से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो डेल्टा h5 एंथैल्पी की जरूरत आपको पड़ेगी, और भैया जब यहां से यहां जाओगे तो डेल्टा h4 एंथैल्पी, इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ये फर्स्ट ईए नेगेटिव, बाकी सारी पॉजिटिव। अब देखना भैया, जब यहां से यहां आएगा तो इस दौरान हीट क्या होगी, रिलीज होगी, तो यहां से यहां जाएगा तो उतनी ही हीट क्या हो जाएगी, वापस से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। यहां से यहां आएगा तो हीट रिलीज हो रही, तो यहां से यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, दोनों हीट का मैग्नीट्यूड क्या रहना, बराबर ही रहना, इसका मतलब मैग्नीट्यूडली मैं ऐसा बोल सकता हूं डेल्टा H4 इज इक्वल टू डेल्टा H5, एक तो ये कंक्लूजन आता है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। फिर जो है वो आपको ये बोल रहा है कि भाई देखो जरा कि यहां से यहां गया तो आपको जो है वो X1 हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो हीट देनी पड़ेगी, और जब X+ में आपने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके एक्स बना दिया तो भैया उतनी ही हीट वापस रिलीज हो जाएगी, तो सेम टू सेम केस कि भैया डेल्टा H1 जो है ये बराबर होगा मैग्नीट्यूडली डेल्टा H6 के, तो ये भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी सही, ठीक है। फिर अगर चेक करते हैं बाकी दो को, चेक करता हूं डेल्टा H2 और डेल्टा H1 का रिलेशन क्या है। भैया H2 और H1 ध्यान से देखना कि एक तो मैं इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूं, एक्स से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, X+1 बना दिया, फिर जो है वो मैंने इलेक्ट्रॉन हटाया X+1 से X+2 बना दिया। आप सोचो जरा कि जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन हटाया, यहां से मैंने पहला इलेक्ट्रॉन हटाया, तो जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन हटाया तो यहां पर बाकी के जितने इलेक्ट्रॉन बचे उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, और अब आपको एक और इलेक्ट्रॉन हटाना तो बढ़े हुए न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा, तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, और ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी यहां पर दी जाने वाली एनर्जी यहां पर दी जाने वाली एनर्जी से ज्यादा होगी। तो इन दिस केस आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया डेल्टा H2 मैग्नीट्यूडली डेल्टा H1 से क्या होगा, बड़ा होगा, बिल्कुल मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो भैया इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। और मैं सेकंड और थर्ड को चेक करता हूं, तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो अगेन भाई देखो X+2 को X+3 में बदलना है, तो भैया +2 पर तो और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया होगा न्यूक्लियस का, और ज्यादा अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी X3 की वैल्यू H2 से भी ज्यादा होगी, जबकि इसने उल्टा बोल रखा है, इसका मतलब ये वाला गलत है। तो ऑप्शन जो है वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो क्या है, सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, यह है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीसीज। भैया ये जो है वो आपको क्या करना है, इनका सही ऑर्डर बताना है, जो भी दिया गया है आयनिक रेडियस, कि भैया Fe+2 और Fe+3 में से किसकी आयनिक रेडियस छोटी है बड़ी है, तो देखते हैं, देखो तो इसको चेक करते हैं। भैया देखो ये तो सीधा है Fe+2 और Fe+3, जैसा कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो जाएगा भैया, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो जो रेडियस है ना, अट्रैक्शन मान लो बढ़ेगा तो ये जो है वो क्या आएंगे, पास आएंगे, तो रेडियस जो है वो डिक्रीज होगी, कम होगी, तो भैया इस केस में जो है वो रेडियस ज्यादा किसकी होगी, Fe+2 की ज्यादा होनी चाहिए, तो इसने गलत दे रखा, ये तो गलत है। फिर सेकंड आईपी, ये तो सीधा सा काम है, आपने कर ही लिया होगा, नाइट्रोजन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है 2p3, ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। तो भैया देखो जरा फर्स्ट आईपी निकाली, फर्स्ट आईपी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो फर्स्ट आईपी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, ये बदल गया 2p2 में, ठीक। सेकंड आईपी ये जल्दी से देगा, क्यों, क्योंकि ये 2p3 हाफ फील्ड बन रहा है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन अब सेकंड की बात करोगे ना तो सेकंड यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में अब आपको जोर आएगा, इसने जो है सेकंड आईपी के बारे में बोला, तो ये सही, ठीक। फिर अगर हम बात करें कॉपर और जिंक की एटॉमिक रेडियस, और सेम कंसेप्ट जो है वो इन दोनों में लागू होगा आईपी का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कॉपर और जिंक की अगर हम बात करें
तो होना क्या चाहिए, पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाते हैं तो साइज कम होता है, तो हमारा कंसेप्ट तो ये कहता है कि भैया ये ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि भैया स्क्रीनिंग इफेक्ट ठीक है कम होने की वजह से यहाँ पर जिंक में जो इफेक्टिव कॉपर में स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से कॉपर में जो जेड इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो है, जैसे ही जेड इफेक्टिव बढ़ा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर और रेडियस जो है वो कम हो जाएगी, तो ये वाला सही है। और इंडियम और इन दोनों में से अगर हम चेक करें तो फर्स्ट आईपी का ऑर्डर देखना जरा, इंडियम ऊपर आता है, टीएल नीचे आता है, तो हम क्या सोचते हैं कि साइज बड़ा है तो फर्स्ट आईपी जो है इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेम कंसेप्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यहाँ पर लगता है, जिसकी वजह से टीएल जो है ना इसका जो है वो फर्स्ट आईपी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो ये भी सही है। तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन KO2 रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूसेस, भैया कोई कंसेप्ट तो है नहीं, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो KO2 का हम जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे, वाटर जो है वो हॉट होना चाहिए वैसे तो हम ये बोलते हैं, या जब भी वाटर के साथ मिक्स करते हैं नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, तो जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा भैया KOH, साथ में बनेगा O2 और साथ में बनेगा भैया H2O2, ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ये आगे जो वापस से टूट जाता है किसमें, H2 और O2 में, तो हम जो है क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में है तो हम इन तीनों को ही टिक करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, इसमें भी कोई कंसेप्ट वाली चीज नहीं है। लिथियम नाइट्रेट की हीटिंग पूछ रखी है, तो भैया लिथियम नाइट्रेट की हीटिंग से क्या बनेगा, LiNO3 जब आप इसको हीट करते हो तो Li2O बनता है, एक NO2 बनता है और साथ में जो क्या बनता है भैया O2 बनता है, तो ये इसकी हीटिंग आ गई, तो इसमें भी फर्स्ट हो जाएगा ठीक है, और ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखते हैं, क्वेश्चन सिक्वेंशियल क्वेश्चन दिया है, सिक्वेंशियल रिएक्शन का, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C4H7Cl3 यील्ड्स कंपाउंड बी व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस KOH। देखिएगा कि ये जो भी कंपाउंड है अपने पास C4H7Cl3 ये एक कंपाउंड है, इसको जो है वो आपने रिएक्शन करवा दी किसके साथ, एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्या बना भैया, कंपाउंड बी बना, ये कंपाउंड बन गया जी बी, क्लियर बात। फिर जो है वो आगे आपको बोल रहा है कि बी ऑन ट्रीटमेंट विथ NH3, भैया इसको ट्रीट किया आपने अमोनिया के साथ, चलो भैया कर दिया अच्छी बात है, तो जो है वो अपने पास बना कंपाउंड सी, तो कंपाउंड सी बन गया, ठीक है भैया। फिर आगे जो है वो इसको हीट किया तो कंपाउंड डी बना, भैया ये जो है इससे हमें एक आइडिया हम लगा सकते हैं, देखा कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करके सी कंपाउंड बनाया और सी जो है वो इसको गर्म किया तो डी बना, तो जरूर यहां पर जो है ना ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाओगे एसिड बेस सॉल्ट रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहां पर जो है वो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, तो सी जो है वो अपने पास क्या है, अमोनियम सॉल्ट है, और अमोनियम सॉल्ट को जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एमाइड बनता है, तो ये एमाइड हो गया, तो डी जो है वो एक एमाइड है। फिर जो है वो डी इज हीटेड विद P2O5, अब देखिएगा कि भैया P2O5 जो है वो एमाइड के साथ क्या करता है, कि कोई भी अपने पास एमाइड है, कोई भी एमाइड है जैसे CO और ये NH2, तो ये डिहाइड्रेशन, P2O5 बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, यहां पर क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड और ये बनेगा Cl, यानी कि साइनाइड बनेगा। अब इसने लास्ट में बोल रखा है कि P2O5 देन 2-methyl प्रोपेन नाइट्राइल, बिल्कुल भैया यही बन रहा है, CN ही बन रहा है, तो यानी यहां पर जो प्रोडक्ट बनाना वो 2-methyl ये वाला बन रहा है प्रोपेन और ये नाइट्राइल, ठीक है। तो यार देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, डी क्या हो सकता है, फिर डी जो है वो इसी का एमाइड हो जाएगा, यानी CH3 और ये CH3H और ये CONH2, ये हो गया भैया डी, ठीक। डी अगर ये है तो सी क्या हो सकता है, तो भैया सी इसी का अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा, सी एच और ये CH3 और ये CO और ये इसी का अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये हो गया भैया अपने पास क्या सी, ठीक है, NH4 आएगा, हाँ ठीक है, तो ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। और फिर बी क्या हो सकता है, तो बी इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बी जो है वो अपने पास ये वाला हो जाएगा, ये जो है वो अपने पास बी हो गया, ठीक है।
तो फिर ए क्या हो सकता है? अब देखो इसमें तीन क्लोरीन है और एक्वस KOH के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो एक्वस KOH क्या करेगा? क्लोरीन को हटा देगा, और क्लोरीन को हटाने के बाद वहां पर CWH ग्रुप बनना चाहिए। इसका मतलब तीनों के तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर है। तो इसका मतलब यह है कि ए क्या हो सकता है? ए जो है वो अपने पास ये वाला हो सकता है, यहाँ पर CH3 और ये CH और ये CL, ये CL, ये CL। अब आप देख लो आपके सामने है, यहाँ OH आएगा, यहाँ OH आएगा, यहाँ OH आएगा, ठीक है। ये मैंने इक्विवेलेंसी एक्स्ट्रा कर दी, ओके। ये C और ये CL, ये CL, ये CL, तो तीनों जगह आप OH लगाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा अपने पास B। तो ये हो गया भैया A, सारी चीजें आ गई, चेक करते हैं। तो A जो है वो अपने पास ये है क्या? गलत है भैया, A ये नहीं है। B जो है वो अपने पास, बिल्कुल भैया B वाला जो है वो ये है, ठीक है। C जो है वो अपने पास, बिल्कुल भैया C जो है वो यही है। और D जो है वो है D, ये D, तो CH बिल्कुल D भी सही, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास भैया ये दिया है कि विच इज या आर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है भैया। देखो क्या क्या बन सकता है ये रिएक्शन है भैया। हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन जो है वो हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इस रिएक्शन के बारे में हिंट आपको दे देता हूँ। देखो कि कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, आर जो है वो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है इस आर डैश की जगह पर। तो रिएक्शन जब करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन होती है भैया एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म की चर्चा अभी अपन नहीं करेंगे, और यहाँ पर आएगा अपने पास R डैश, ये डबल बॉन्ड और ये N और ये OH। अब ये कंपाउंड जो है ना, अगर इसमें R और R डैश दोनों अलग है तो ये कंपाउंड GI शो करता है, यही इसकी बड़ी बात होती है भैया। R डैश और ये डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आया OH और साथ में जो है वो अपने पास एक ये भी प्रोडक्ट बन सकता है R डैश डबल बॉन्ड N और ये, ठीक है। इनमें से किसी एक को आप सिन बोल सकते हो तो दूसरा वाला क्या हो जाता है? एंटी हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन टाइप की है रिएक्शन होती है। अब आपको जो कंपाउंड दिया है वो कुछ ऐसा है, एक तो यहां पर है एक यहां पर, क्या यही कंपाउंड दिया है? ना, ये नहीं दिया है, इसीलिए मैंने चेक कर दिया भैया। ये कंपाउंड आपको दिया है, ठीक है, पांच कार्बन की रिंग और दूसरी तरफ भी पांच कार्बन की रिंग, और ये आपको कंपाउंड दिया है। इस रिएक्शन को, इसकी रिएक्शन करवानी है भैया हाइड्रोक्सिल एमाइन के एक्सेस के साथ। तो एक्सेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो वाटर मॉलिक्यूल इधर भी और ऊपर की तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर, एक कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड जो है वो अपने पास ये वाला बनेगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड एन और ये आया OH, ठीक है। अब देखिएगा एन और ये OH, ये वाला कंपाउंड और एक ये वाला प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं इसको आपको जीआई में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ध्यान से देखना, ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये भी प्रोडक्ट एक पॉसिबल हो सकता है कि भैया इन दोनों प्रोडक्ट में आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। OH यहाँ डबल बॉन्ड N और ये OH यहाँ, ठीक है भैया। देख लो क्या इन दोनों में जो है वो आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पर कर दूँ डबल बॉन्ड N और इसको जो है वो एज़ रहे, इन दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल है भैया, देखना नीचे वाले नाइट्रोजन का कॉन्फिग्रेशन जो है मैंने इसमें चेंज कर दिया है। आप चाहो तो ऊपर वाले नाइट्रोजन का कॉन्फिग्रेशन चेंज कर सकते हो, तो प्रोडक्ट जो है वो ये भी पॉसिबल है। अब इनमें से जो है वो जिनका कॉन्फिग्रेशन सेम होगा वो जो है वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो एक जो है वो ये भी प्रोडक्ट अपन बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हैं, तो कई प्रोडक्ट बन सकते हैं। और कई प्रोडक्ट बनने का रीजन क्या है कि जीआई शो कर रहा है इसलिए कई प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो है इनमें से मैं कोई एक प्रोडक्ट से आपको एग्जांपल बताऊंगा, बाकी सबको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे भैया मान लो मैंने जो है वो ये प्रोडक्ट लिया, जीआई साइड में बनेगी। अब जो भी प्रोडक्ट बना, रिएक्शन मिक्सचर की रिएक्शन आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा रखी है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 देखिएगा क्या करेगा कि जो अपना कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये अभी मैंने आपको बताया था बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, तो बेकमैन रीअरेंजमेंट करवाएगा। और बेकमैन रीअरेंजमेंट जब होगा तो भैया ये जो है OH के NT वाला ग्रुप शिफ्ट होगा, OH के NT वाला ग्रुप शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसमें बेकमैन रीअरेंजमेंट जब करवाएंगे तो इसमें जो है वो शिफ्टिंग होगी।
बेकमार रीअरेंजमेंट हमेशा कौन सा होता है भैया, इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है ना। तो अब इसमें देखना जरा क्या होगा कि इसमें जो है वो देखो CO और बेकमार रीअरेंजमेंट में एमाइड बनता है, तो ये एमाइड दे रखा भैया, ये पॉसिबल है, ये बन सकता है, ये भी एमाइड है, ये भी पॉसिबल है, ये भी बन सकता है। आपको ऐसे ही प्रिडिक्ट करना है, बना के चेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखो जरा, ये एमाइड बना रखा है, ये भी पॉसिबल है, ये एमाइड बना रखा है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर इसमें देखना, ये एमाइड बना रखा है, ये भी पॉसिबल है, और ये एमाइड बना रखा है भैया, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अपने पास अलग अलग जीआई थे ना, अलग अलग जीआई बने थे, तो उनकी वजह से जो हो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा जरा कि इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को देखना, ये तो एमाइड है लेकिन ये जो है वो एमाइड नहीं है, ये तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो किसी भी हालत में नहीं बनेगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये बन सकता है, और ये भी बन सकता है। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है, विच आर या इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो कौन सा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है? देखो क्या, नाइलॉन 66 ये स्टेप ग्रोथ होता है, ठीक है। एग्जाम एथिलीन डाइएमिन और एडिपिक एसिड, ठीक है। और नियोप्रीन भैया, नियोप्रीन या जो क्लोरोप्रीन होते हैं, ये जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाता है, ये नहीं है, ठीक है ना। ये वाला जो है वो अपने पास एक तरीके से इसने पूछा है विच ऑफ दिस स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कौन सा है, तो ये वाला जो है वो स्टेप ग्रोथ नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाता है, ठीक है। डेक्रोन भैया, ये भी जो है वो अपने पास एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड होता है, तो डेक्रोन भी जो है वो स्टेप ग्रोथ ही है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाता है, ये भी स्टेप ग्रोथ नहीं है। तो भैया ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपने पास 15। तो आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रीली, सिलेक्ट करेक्ट रिलेशन। भैया देखो, आइडियल गैस को आपने फ्रीली एक्सपेंड कर दिया, कहने का मतलब, फ्री एक्सपेंड करने का मतलब कंडीशन ऐसी आ गई, ठीक है। एक तरफ इधर जो है वो अपने पास क्या है, वैक्यूम है, इस तरफ जो है वो गैस भरी है, और ये गैस कैसी, आइडियल है, और इधर पी एक्सटर्नल कितना है अभी, जीरो है, ठीक है, तभी तो फ्री एक्सपेंड होगी, फ्री जो है वो उसका होगा। अब अगर मैंने जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया भैया, एक छेद कर दिया, तो छेद कर दिया, तो अब गैस जो है वो इधर से इधर जाना फ्रीली मूव करेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि पहले कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और कंटेनर का वॉल्यूम अगर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, गैस का प्रेशर कम होता है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल्टा एस सिस्टम ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो से ज्यादा होगा, ठीक। और हम बोलते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल के बराबर होता है, ठीक है। तो भैया ये जो है अगर फ्रीली मूव कर रही है, और तो फ्रीली मूव तभी होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर जीरो करने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे को पैक करना पड़ेगा, और पूरे को पैक करूंगा तो भैया ये इधर से इधर जब आई है तो सिस्टम सराउंडिंग की एंट्रोपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है ना, डेल्टा एस सराउंडिंग, ये क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो हो गया, एक तो ये आ गया डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो, ठीक है। डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो कर दिया तो डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस टोटल भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एस टोटल ये भी कैसा आएगा भैया, पॉजिटिव, यानी जीरो से ज्यादा आएगा। तो इसमें सेकंड भी हो जाएगा और थर्ड भी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे क्वेश्चन ऐसे समझे होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट अपना है भैया इंटीजर सेक्शन, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम विथ एटॉमिक नंबर जेड इज इन हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर एन। एटम जो है वो किसी एन क्वांटम नंबर वाली एक्साइटेड स्टेट में है। दिस एक्साइटेड स्टेट कैन मेक ए ट्रांजिशन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है एन इक्वल टू टू बाय सक्सेसिवली एमिटिंग टू फोटोन। जब एन इक्वल टू टू में आया, एन से एन इक्वल टू टू में आया, तो दो फोटोन एमिट किए जिनकी एनर्जी जो है वो 20 और 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। फिर आपको बोला अल्टरनेटिवली द एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट कैन मेक ट्रांजिशन टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब उसी एन से जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कहां आ रहा है, एन इक्वल टू थ्री में आ रहा है, और यहां पर भी उसने दो फोटोन एमिट किए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया जेड की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। देखिएगा जरा कि इस केस में आपको क्या करना है, हमारे पास मान लो कंडीशन ऐसी है कि ये है 1 2 3 4 और ये है n, ठीक है। तो क्या कर रहा है भैया, n से कहां आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, ठीक है।
हमें पता है एन से सेकंड में आएगा तो कितनी टोटल, अगर मान लो एक ही स्टेप में नीचे आता तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो ई जो है वो किसके इक्वल होगी भैया, ई एन माइनस ई टू के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि दो स्टेप में नीचे आया, एक और ये दो, दो स्टेप में नीचे आया, तो पहले स्टेप में जो है वो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट किया, तो पहले स्टेप में जो है वो उसने 20 और 28 यानी कि यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर जो 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है यही है बिल्कुल 20 और 28.3, ठीक है ना, इन दो एनर्जी का उसने फोटोन एमिट किया, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर मान लो डायरेक्टली नीचे आता तो कितनी एनर्जी का फोटोन होता, तो 48.3 यानी कि ये एनर्जी दे रखी है कितनी 48.3। और किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहते हो तो इसके लिए बोर कहता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर काम में लो, तो ई एन ई हो गया माइनस, अगेन ई टू के लिए -13.6 और ये जेड स्क्वायर, और एन की वैल्यू अब यहाँ पर कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ये लो जी। ठीक है, तो इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आएगी 48.3 इज इक्वल टू 13.6 और ये z स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर देखिएगा क्या बच गया 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर सेकंड केस में आपको ये बोल रखा है कि अगर ये सेम इलेक्ट्रॉन अगर कहां से कहां है, n से जो है वो थर्ड में आए, n से जो है वो यहां पर आ गया, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो n से अगर यहां पर आएगा, ये n है और 1, 2 और ये 3, n से जो है वो कहां पर आएगा, थर्ड में आएगा, तो इस केस में वापस से इसने दो फोटोन एमिट किए, एक फोटोन और ये दूसरा फोटोन, मुझे पता है कि टोटल जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी भैया ई एन माइनस ई थ्री के इक्वल होगी, तो भैया कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट कर रहा है, तो दूसरी बार में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10.13 का एमिट किया, तो यहाँ 8 और ये 10.13 टोटल अपने पास हो गया 18.13, यानी इस बार ये एनर्जी कितनी है 18.13 इज इक्वल टू, अगेन वही चीज क्या कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो -13.6 इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस -13.6 इनटू z स्क्वायर बाय इस बाय n की वैल्यू इस बार कितनी है 9 है, तो अगेन सेकंड इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी 18.13 is equal to 13.6 z square, यहां से क्या आ रहा है common आ रहा है, तो अंदर जो है वो मेरे पास 1/9 minus 1/n square जो है बच गया, ये हो गई जी question number second। भैया जी दो चीजें आ गई और दो मेरे पास unknown equation है, यहां से आपको क्या करना है n की value निकालनी है, किसी एक equation में रखनी है, z की value आ जाएगी, तो z is equal to solve करोगे तो अपने पास आएगा कितना 4। ठीक है, तो ये अपने पास है भैया question number कौन सा first। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, देखिएगा जरा आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एमाइल्स कैन बी सेपरेटेड बाय हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, भैया बहुत ही फेमस रिएक्शन है और ये जो है वो एक्चुअल में एक टेस्ट होता है, दिस इज टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट होता है, केवल और केवल 1 डिग्री एमाइन ये रिएक्शन देते हैं, तो भैया ये देगा ये नहीं देगा, ये वाला दे देगा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, ये नहीं देगा, ये भी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल देगा और ये भी देगा और ये वाला नहीं देगा, तो टोटल जो है वो अपने पास कितनी एमाइन है, भैया टोटल जो है 4 एमाइन ऐसी है जो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन दे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको बोल रहा है कि एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है, एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्मड ऑफ द टाइप XY, ये XY टाइप से ये मिलकर बना है, X हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1, अगर X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS1 है तो then number of valences and electron in Y is, देखिएगा किसी भी आयनिक कंपाउंड को लिखने का ये रूल होता है कि हमेशा जो है वो इस तरफ, ठीक है, कैटायन होता है और इस तरफ एनायन होता है, तो ये तो अपने पास कैटायन है और ये क्या है एनायन, अब इनके चार्जेस कितने होंगे, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन NS1 है तो भैया ये जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉनिक गैस का जो अपने पास इनर्ट गैस है उसका कॉन्फिग्रेशन गेन कर लेगा, तो हमारे पास जो है ये अपने पास आ जाएगा x प्लस 1 यानी कि इसकी वैलेंसी प्लस 1 है, तो अगर इसकी वैलेंसी प्लस 1 है तो पक्का y जो है वो माइनस 1 होगा, और ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन होता है तो वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए होता है, तो भैया देखो जरा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव किया है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन थे, और इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके
आउटर मोस्ट सेल को जो है वो कंप्लीट किया है, 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बनाए हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में। तो भैया इसके जो है वो आउटर मोस्ट सेल में पहले कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो यही है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स इन वाई, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वैलेंसी सेल में, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर। भैया एडिशन पॉलीमर होता है और एक कोपॉलीमर होता है, ठीक है, या एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर दो मोनोमर यूनिट के बीच में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है, जैसे नाइलॉन 6, ठीक है। तो ये जो है वो अपने पास बेसिकली एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये यहाँ पर कटा हुआ है नाइलॉन जो है वो पेपर में, मेरे ख्याल से नाइलॉन 6 होगा, ठीक है, नाइलॉन 6 ही है, तो नाइलॉन 6 जो है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फिर जो है वो अपने पास एक टेरिलीन या डेक्रोन, ये भी इसी कैटेगरी का है, ग्लिप्टल जो है वो भी इसी कैटेगरी का पॉलीमर है, यानी कि ये जो है वो सारे के सारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। और बाकी जो है वो जितने भी है, टेफ्लोन है, नियोप्रीन है, जैसे टेफ्लोन जो है टेट्राफ्लोरोएथेन, CF2 की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एन यूनिट होगी और एन यूनिट जो है वो आपस में इस तरह से आगे से आगे फर्दर जुड़ती चली जाएगी और जुड़कर जो है क्या बना लेगी, टेफ्लोन बना लेगी, ठीक है। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। आपको बोल रहा है 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली, देखो, एंड एडियाबेटिकली, ठीक है भैया। इसको जो है वो रिवर्सिबली, ठीक है, एंड एडियाबेटिक। देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि काफी लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर जो है वो थर्मो का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, कैसे वर्क निकालें, कौन सा क्या पूछा गया है। सबसे पहले आप प्रोसेस को पहचान लो, कुछ भी जुगाड़ करके प्रोसेस को पहचान लो, उसके बाद आगे बात करें। तो इस गैस को क्या कर दिया भैया, रिवर्सिबली और एडियाबेटिकली इसको एक्सपेंड कर दिया, कहां से कहां तक भैया। V1 जो है वो अपने पास कितना है 10 लीटर और T1 जो है वो कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर यहां से V2 जो है वो इसको लेके चले गए कहां पर 20 लीटर और T2 जो है वो इसका कर दिया कितना T केल्विन कर दिया, ठीक है। और टी को जो है वो उसने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो इसको जो है वो आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखना क्या करूंगा, तो भैया सीधा सा काम ये है कि 2 मोल है और इसको जो है वो आपने क्या किया भैया, एक्सपेंड किया, एडियाबेटिकली किया है। तो भैया हमारा जो है वो रिलेशन ये है कि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो है वो केवल एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, इरिवर्सिबल के लिए ये चीज अप्लीकेबल नहीं होती है। हम जानते हैं किसी भी गैस के लिए हम PV = nRT बोल सकते हैं, तो यहाँ पर P = अपने पास क्या आ जाएगा, nRT/V। P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा भाई nRT V की पावर गामा अपॉन V = कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब nR जो है ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये तो कॉन्स्टेंट में चला जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास TV और ये गामा और ये जो है V ऊपर जाएगा तो इनवर्स, तो TV की पावर गामा इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। ये अपने पास T और V का रिलेशन आ गया एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, कि भैया T1/T2 = V2/V1 की पावर कितनी, गामा माइनस 1, बोल सकता हूं ऐसा। तो देखना T1 जो है वो आपको कितना दिया, 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 127 का मतलब कितना हो गया, 400 केल्विन। T2 जो है वो मेरे को कैलकुलेट करना है, फिर V1 और V2, तो V1 पहले इनिशियल जो है वो कितना है 10 और फिर कर दिया कितना 20, तो 10 और ये 20। देखो गामा की वैल्यू जो है वो मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 होती है, ठीक है, तो 5/3 होगा तो यहाँ पर जो है वो 5/3 माइनस 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3, तो ये हुआ जी कैंसिल, ठीक है। 2/2/3 की वैल्यू होती है भैया 1.58, तो 400 upon T2 = 1.58। आप चाहो तो लॉग लेके इसको कैसे भी सॉल्व भी कर सकते हो, तो T2 की वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ से निकल के आ गई कितनी भैया, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 253.1 कुछ ऐसे निकल के आएगा। तो अब इसी को साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो ना, तो इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 0.0253 × 10^ कितना लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, तो ये इस नोटेशन में आएगा, यानी कि x = कितना आया है 4 है। तो ये भैया अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर अगेन थर्मो का है कि व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट I to F अलोंग पाथ IAF। देखो जी, I से F में लेके गया, पहले इस पाथ से लेके गया,
ठीक है भैया IAF से, तो ये फाउंड, इट इज फाउंड दैट Q इज इक्वल टू 50 कैलोरी एंड W इज इक्वल टू 20 कैलोरी, ठीक है। तो भैया देखो इस केस में Q की वैल्यू जो है वो 50 है और W की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बोला है कि भैया अलोंग द पाथ IBF, इस पाथ में जो है वो IBF यहां पर Q की वैल्यू जो है वो आपको दे दी 36 कैलोरी, क्लियर है बात। फिर आपको ये बोला है कि भैया देन व्हाट इज W अलोंग पाथ IBF, तो भैया इस पाथ में W क्या होगा है ना। तो एक चीज मैं बता देता हूं, देखो जरा कि फर्स्ट लॉ अपन को ये कहता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W, Q प्लस W। तो चाहे आप इस पाथ से चले जाओ चाहे इस पाथ से, दोनों में डेल्टा E तो क्या होगा सेम ही होगा। तो अगर इस पाथ में मान लो Q1 है W1 है, इस पाथ में जो है मान लो Q2 है और ये W2 है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि डेल्टा E1 इज इक्वल टू डेल्टा E2, तो Q1 प्लस W1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W2, ऐसा बोल सकता हूँ। तो Q1 की वैल्यू जो है वो आपको 50 दे रखी, ये जो है वो आपको कितना 20 दे रखा है, Q2 की वैल्यू जो है वो 36 दे रखी है और प्लस ये जो है वो अपने पास क्या आ गया W2 आ गया, ठीक है। तो ये जो है वो सारी चीजें हैं। अब एक चीज देखना है इसमें, साइकिल जो है वो कैसा है, साइकिल क्लॉकवाइज है, इसका ध्यान में रखना। क्लॉकवाइज साइकिल आएगा तो जो W है वो नेगेटिव होगा, तो यानी इस केस में जो W है ना वो प्लस 20 नहीं लेंगे अपन, कितना लेंगे माइनस 20 लेंगे। तो ये जो W है इसमें ये अपने पास आ जाएगा 50 माइनस 20, क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल है तो इसलिए आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 36 प्लस W, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया माइनस का 6, ठीक है। माइनस 6 का मतलब क्या है कि ये वर्क डन बाय सिस्टम है, वर्क डन ऑन सिस्टम नहीं है, वर्क डन बाय सिस्टम है। तो भैया जो डिजिट आप भरोगे वो कितना भर दोगे 6 भर दोगे। तो ये भी उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा अच्छे से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द एमिनो ग्रुप इन सेमी कार्बोजाइड, ठीक है, विल रिएक्ट विद, आपको जो है वो बेंजाल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है ना, तो कौन सा ग्रुप जो है वो अपने पास रिएक्शन करेगा। आप याद करो कि कार्बोनिल कंपाउंड की जो अपने पास रिएक्शन है किसके साथ, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, तो NH2 और ये Z, ठीक है। तो Z क्या क्या हो सकता है, Z is equal to जो है वो अपन हाइड्रोजन ले सकते हैं, Z is equal to जो है वो अपन NH2 ले सकते हैं। तो NH2 लेंगे तो इसको क्या बोल देंगे हाइड्रोजन, NH2 NH2 हाइड्रोजन, Z की जगह जो है वो आप NH फेनिल हाइड्रोजन ले सकते हो, Z की जगह आप जो है वो 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन भी आप ले सकते हो, जिसको हम 2,4 डीएनपी टेस्ट बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। या Z की जगह जो है वो अगर आप ये वाला ग्रुप लेते हो NHCO और ये NH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेमी कार्बोजाइड ग्रुप बोलेंगे। तो अब देखना जरा कि यहाँ पर जो है वो ये अपना पूरा क्या हो गया Z हो गया, ठीक है। तो ये पूरा Z हो गया, तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा भैया, ये जो है वो अपने पास ये वाला बचा है NH2, इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो कौन से वाले के साथ, थर्ड वाले के साथ रिएक्शन, क्लियर है बात। तो ये अपने पास हो गए, रिएक्शन का नाम क्या होता है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, आपको पता ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए डाइपेप्टाइड डेकापेप्टाइड, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 796, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव ग्लाइसिन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है, देखो क्या क्या दिया, ग्लाइसिन दिया, एलानिन और फिनाइल एलानिन, ठीक है, तीन उसने बेसिकली आपको जो है वो एमिनो एसिड दिए हैं। तो ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट 47%, यानी जितना भी 796 है इसका 47% तो अकेला ग्लाइसिन ही है। फिर टू द टोटल वेट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है भैया, कि भैया जितना भी मिला है टोटल हाइड्रोलाइज्ड उसका जो है 47% अपने पास ग्लाइसिन ही है। तो द नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स प्रेजेंट इन द डाइपेप्टाइड, ठीक है भैया, डाइपेप्टाइड में टोटल जो हो ग्लाइसिन की कितनी यूनिट होगी, आप सोचो जरा, सिंपल सा काम है भैया, टोटल कितना है 796 और इसमें से जो है 47% जो है वो अपने पास क्या है ग्लाइसिन है, तो इसका 47%, ठीक है ना। और मतलब ये है कि ग्लाइसिन की एक यूनिट आपको मिल रही है तो आप क्या बोलोगे, मतलब ग्लाइसिन की मान लो n यूनिट आपको मिली, ग्लाइसिन की n यूनिट मिली, एक का मास कितना है 75 है, तो n का मास कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 और ये होना कितना चाहिए 47% के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से आपको n निकालना, n इक्वल टू 4.9 के समथिंग आएगा,
जो कि हम 5 लेंगे, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, तो बेसिक ग्रुप कौन से है? तो भैया बेसिक ग्रुप वो जो H+ को लोन पेयर दे सके उसको बेसिक ग्रुप बोलेंगे। तो NH2 के पास लोन पेयर है तो ये एक बेसिक ग्रुप हो गया। ये वाला जो है वो बेसिक नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है, कहां से देगा। ये वाला जो है वो अपने पास बेसिक ग्रुप है, ये पूरा जो है वो बेसिक ग्रुप में ट्रीट होगा। इस ऑक्सीजन को बेसिक एटम बोलता ना तो 1 2 3 तीन बेसिक एटम होते, और ग्रुप की बात कर रहा तो ये पूरा ग्रुप जो है वो, क्योंकि इसमें O- जो है वो लोन पेयर दे सकता है, एक ही हो गया एक ही होगा। तो टोटल जो है इसमें 2 बेसिक ग्रुप अपने पास प्रेजेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है अपने पास भैया, द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टेम विच इज यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज, ये स्ट्रक्चर दी है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्पार्टेम इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो देखते हैं भैया हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या बनेगा। तो देखना, एक तो जो है वो अपने पास NH2CH और ये CH2COOH, और भैया देखो जरा COOH ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो एक तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपने पास NH2CH और CH2C6H5 और यहाँ पर आ जाएगा भैया COOH, एक ही यहाँ से टूटेगा एस्टर लिंकेज हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो, और एक जो है वो CH3OH ये बनेगा। तो टोटल जो है कितने, 3 तो ये बन गए। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों में एक एक कायरल कार्बन है तो इसके जो है वो 2 बनेंगे, एक तो D हो गया, एक इसका मिरर इमेज जो है वो क्या हो जाएगा L। इसके भी 2 बनेंगे, एक तो D हो गया, एक इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा L, ठीक है। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल कितने बनेंगे अपने पास, 5 बनेंगे, ठीक है ना। तो ये है ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, और पेपर कंप्लीट है, एक एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। डाउट मेरे ख्याल से आप किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं रहा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।